हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो। हाँ, सब कुछ नया है, दिख रहा है। ये बोर्ड का बैकग्राउंड भी नया है, मेरा बैकग्राउंड भी नया है ना? तो बैकग्राउंड पे फोकस मत करो। कहाँ पे फोकस करना है? मेरे पे फोकस करो और मेरा कंटेंट पे फोकस करो, मतलब पढ़ाई पे फोकस करो, है ना? चलो देखो, पहले ये कितना एपिसोड है, ये हम लोग का सिक्स्थ एपिसोड चल रहा है, दैट मीन्स सिक्स्थ क्लास। तो पहला जो चार क्लास करवाया था वहां पे मैंने पढ़ाया था, एंड जो पांचवा क्लास करवाया था वहां पे मैंने क्या करवाया था, एक क्वेश्चन पेपर दिया था और ये बताया था कि उस क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करना। वहां पे टाइमर लगा हुआ था, अकॉर्डिंग टू द टाइमर तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। कितना स्टूडेंट सॉल्व किए हो वो हमको पता नहीं। कुछ स्टूडेंट्स हो जो हमको मेल किए हो, मेरे को कंटेंट भेजे हो और मेल किए हो कि सर इतना इतना टाइम में कंप्लीट हो गया है। मेरे को मैसेज भी किए हो अलग से, ठीक है? तो तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग ये मैसेज करते हो, ये बोलते हो कि सर कंप्लीट हो चुका है, ये बाकी है और हम सजेशन देते हैं। ये फीलिंग कुछ अलग टाइप का है ना? मतलब तुम हमको देख रहे हो लेकिन हम तुमको देख नहीं पा रहे, लेकिन ये फीलिंग कुछ अलग टाइप का है ना? सपोर्ट चाहिए तुमको, हम दे रहे हैं, बस यही है और क्या है। एक दूसरे का सपोर्ट है हम दोनों, है ना? चलो, थोड़ा सा सुख दुख का बातें हो गया, अब चलो पूरा का पूरा पढ़ाई पे चलते हैं। देखो, हम लोग फर्स्ट जितना सारा क्लास कंप्लीट किया था, उस क्लास में क्या क्या कंप्लीट किया था। पहला जो बात है, हम लोग लीनियर इनइक्वेशन कंप्लीट किया था। उसके बाद क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो भी कंप्लीट किया था। इसके बाद है फैक्टराइजेशन कंप्लीट किया था, मैट्रिसेस कंप्लीट किया था, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये भी कंप्लीट किया था। कंप्लीट किया था मतलब मैंने बस कंसेप्ट बताया था, है ना, कि कैसे करना है, क्या करना है, ऐसे बताया था, कंसेप्ट समझाया था, एग्जाम्पल समझाया, एक्सरसाइज समझाया, ठीक है ना, समझाया। अब मैट्रिसेस का एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज मैंने नहीं करवाया, बस बेसिक सा कंसेप्ट जो है वो समझा दिया है। चलो अब आगे चलते हैं, आज कुछ नया कुछ सीखेंगे, क्योंकि जो वीडियोस मैंने डाले हैं वो वाला वीडियोस देखोगे और खुद से ट्राई करोगे सम्स बनाने का, तो देखना ऑटोमेटिकली सम्स बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि सम्स नहीं बनेगा, सम्स जरूर बनेगा, ठीक है, श्योर बनेगा। अच्छा, मेरा ऑडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्लो आ रहा है लग रहा है, कैमरा स्लो है, क्या स्लो है? सही तो है ना? अच्छा, बाद में देखेंगे जब इसको अपग्रेड करेंगे बेस्ट क्वालिटी पे। बेस्ट क्वालिटी मतलब ये जो रिकॉर्ड होता है ना मेरा, ये बेस्ट क्वालिटी नहीं होता है, यहाँ पे 480p रिकॉर्ड होता है और इसको हमको बनाना पड़ता है 1080p, तो वो अपग्रेड करना होता है, ठीक है? तो इसीलिए हम लाइव कंटेंट ला नहीं पाते, क्योंकि लाइव कंटेंट लाएंगे तो उतना अच्छे से तुम लोग शायद दिख नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा उतना इक्विपमेंट है नहीं, उतना अपग्रेडेशन वाला इक्विपमेंट है नहीं, तो फिर इसीलिए हम रिकॉर्डेड वीडियो डालते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोले हो कि सर आप लाइव आके पढ़ाया कीजिए। बेटा करेंगे हम, थोड़ा हमको टाइम दो, हम जरूर करेंगे। तुम लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हो, तुम लोगों का ये सपोर्ट अगर मेरे ऊपर रहेगा और इतना प्यार देते रहोगे तो भाई हम तो कर लेंगे, है ना? और किसी को हो ना हो और कोई किए ना हो, हम तो कर लेगा, है ना? चलो, अच्छा देखो, हमको मेरा जो इमेज दिख रहा है ना, मतलब इसमें मेरे को फील हो रहा है कि ये डिले हो रहा है, ठीक है? लेकिन तुम लोग ऑडियो वीडियो आई थिंक सही आ रहा है, तो बाद में हमको भी पता चलेगा, हम देख ही लेते हैं कि ऑडियो वीडियो सही है कि नहीं है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 एमएल अग्रवाल का सेशन जो है हम लोगों का, एपिसोड नंबर 6 है। एपिसोड नंबर 6 में क्या करेंगे आज? आज जो करेंगे, आज हम लोग शिक्षण फॉर्मूला करेंगे, ठीक है? शिक्षण फॉर्मूला क्या है, ठीक है? देखो, और एक बात तुम लोग हमको बताना कि ये ब्लैक में जो बैकग्राउंड है ये अच्छा लग रहा है कि व्हाइट में जो बैकग्राउंड था वो अच्छा था, ठीक है? ये बात हमको बताना, मैंने उस हिसाब से आगे का जितना सारा सीरीज आएगा, सारे का सारा सीरीज में हम ब्लैक बोर्ड ही कर लेंगे, ठीक है? बचपन में हम लोग करते थे ना ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है? चलो, अच्छा क्यों ना हम ऐसे भी हो सकता है कि बोर्ड का कलर चेंज होते रहे, तो फिर पढ़ाई में और मजा आएगा, शायद देखने में अच्छा लगेगा, हो सकता है, हमको तो पता नहीं लेकिन हो सकता है। चलो, शिक्षण फॉर्मूला देखते हैं कि क्या है एक्चुअली। देखो, शिक्षण फॉर्मूला में ये मैंने बुक खोला, ऐसा नहीं कि सर क्या खोल रहा है भाई, कुछ नहीं, बुक है, बुक लोग का जो बुक मैंने सजेस्ट किया था यही वाला बुक है ना? बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अरे सर का नोट्स क्या है, सर क्या खोल रहा है, क्या देख के बढ़ा रहा है, अगर वो मेरे को मिल जाता तो बस हम तो कुछ ना कुछ कर ही लेता लाइफ में, है ना?
ही लेता, मतलब एकदम टॉप आ जाते बोर्ड्स में, है ना, ऐसा फील होता है। लेकिन बेटा ऐसा कुछ नहीं है, जो बंदा टॉपर बनता है वो भी पढ़ाई करते हैं, तुमको भी पढ़ाई करना है। वो बंदा क्या करता है, टाइम वेस्ट नहीं करता है, और तुमको भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर तुम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो तो फिर क्या करना है बेटा, पढ़ाई करना है, और देखना रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। चलो ये मेरा मोटिवेशन सेशन है नहीं, लेकिन फिर भी चलो पढ़ाई पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है शिक्षण फॉर्मूला, शिक्षण का मतलब क्या है, देखो ये एक लाइन है, अरे ये क्या हो रहा है, चलो ये एक लाइन है, दिख रहा है लाइन, नहीं दिख रहा तो चलो नहीं दिख रहा, इससे दिखेगा, इससे तो जरूर दिखेगा, ये एक लाइन अब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखो ये एक लाइन है, यहाँ पे लाइन ए ले लो, यहाँ पे बी ले लो, ठीक है, यहाँ पे ए ले लो, यहाँ पे बी ले लो। अब क्या बताया, ए और बी मैंने मार्क किया, मान लो कि ए का नाम है एक्स वन कॉमा वाई वन एंड बी का नाम है एक्स टू कॉमा वाई टू, समझ में आया। ए का नाम मैंने क्या दिया, एक्स वन कॉमा वाई वन एंड बी का नाम दिया एक्स टू कॉमा वाई टू। अब यहाँ पे बीच में क्या जाता है, एक सी पॉइंट आ जाता है, एक क्या पॉइंट आता है, सी पॉइंट आ जाता है, और सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है इसको हम लोग ले लेते हैं कि एक्स कॉमा वाई, ठीक है, क्या ले लेते हैं, एक्स कॉमा वाई। और ये सी, ये जो ए सी एंड सी बी, दैट मीन्स दो सेक्शन में डिवाइड करना कर रहा है ना, इसीलिए इस यहाँ पे रेशियो में डिवाइड करता है, रेशियो मतलब यहाँ पे अगर रेशियो M1 M2 होगा, मतलब हम जो बोल रहे हैं बस इसको समझो, ऐसे धीरे धीरे आगे चलो पूरा का पूरा चीज समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ समझाएंगे। देखो यहाँ पे जो है एक रेशियो में डिवाइड किया तो वो है M1 एंड M2। अब चलो पूरा जो स्टोरी है, ये स्टोरी एक बार बताते हैं कि एक्चुअली स्टोरी क्या बताया, स्टोरी है कि एक लाइन सेगमेंट है कि ए एंड बी, ए एंड बी एक लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन है, बी का है एक्स टू वाई टू है, ठीक। अब देखो सी एक तो पॉइंट आ गया बीच में, सी ने क्या करा, ए बी जो लाइन सेगमेंट अच्छा खासा था उसको ब्रेक कर दिया, मतलब बीच में आके टपक पड़ा, है ना, बीच में आ गया सडनली। तो ये आके क्या करा, ये जो पूरा ए बी है ना इसको एम वन इज टू एम टू रेशियो में डिवाइड कर दिया, कौन सा रेशियो, एम वन इज टू एम टू रेशियो में डिवाइड कर दिया, समझ में आया, डिवाइड कर दिया। अब वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सी का जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स वाई, ठीक है। अगर सिचुएशन ऐसा ही होगा, सिचुएशन ऐसा ही होगा, मतलब ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है, मतलब दिस हैज टू बी गिवन एंड ये भी गिवन, ठीक है, और ये गिवन ना भी हो सकता है, चलो गिवन है कि नहीं है ये तो बात का बात है, पहले कंसेप्ट समझते हैं, पहले फॉर्मूला समझते हैं। तो अगर सिचुएशन ऐसा है, मतलब समझ में आ रहा है, सिचुएशन अगर ऐसा है तो फिर हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाय एम टू एक्स वन प्लस एम वन एक्स टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू कॉमा एम टू वाई टू एम टू वाई वन एम टू पेन किधर गया, हाँ ये थोड़ा सा चेंज हो गया ना इसीलिए मिल नहीं रहा, एम टू वाई वन प्लस एम वन वाई टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, ठीक है, ये है फॉर्मूला और ये कोऑर्डिनेट है। लेकिन इस कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, पहले जो बताया ये समझ में आया, जो बताया ये समझ में आया, क्या है, एक पॉइंट है मतलब एक कोऑर्डिनेट है ए, दूसरा कोऑर्डिनेट है बी, एक लाइन सेगमेंट का ये दो पॉइंट्स है। तो यहाँ पे अगर सी एक पॉइंट आ जाता है, उत्पटांग से एक पॉइंट आ जाता है और इसका जो कोऑर्डिनेट है ये होता है एक्स एंड वाई, तो हम लोग एम वन एंड एम टू रेशियो में डिवाइड करता है ये सी ए बी को, तो फिर फॉर्मूला ये हो जाता है, किसका फॉर्मूला, ये हो जाता है शिक्षण फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला ये हो जाता है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे तुमको ढूंढना क्या है, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ना ये है एक्स का कोऑर्डिनेट, सो दैट मींस ये जो है ना इसको हम लोग लिखेंगे दिस इक्वल्स टू एक्स एंड दिस इक्वल्स टू वाई, अब कंप्लीट होता है। तो मतलब क्या, चलो यहाँ पे देखते हैं कि मैंने क्या समझाया, देखो मैंने क्या समझाया, एक है एक्स वन वाई वन A, एक है B X2 Y2, है ना, एक है X1 Y1 दूसरा X2 Y2। अब हम लोग के पास एक C आ गया जिसका है XY, और हम लोग के पास एक रेशियो है M1 M2, ठीक। अगर ये है तो फिर हम लोग इसको एक फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या है,
एम टू एक्स वन प्लस एम वन एक्स टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू दैट इज इक्वल्स टू एक्स एंड एम टू वाई वन प्लस एम वन वाई टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू दिस इक्वल्स टू वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला है और तुमको यही याद रखना है। समझ में आया? ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन सेक्शन फॉर्मूला। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। समझ में आया यहां तक? आया? अब देखो सबसे बड़े की बात ये है कि यहां से ये एम टू एंड ये जो एम वन है ये दोनों को वन ले, अगर तुम वन ले लेते हो मतलब अगर एम वन इक्वल्स टू वन एंड एम टू इक्वल्स टू वन होता है तो यही फॉर्मूला बदल के ये हो जाता है एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू दैट इज इक्वल्स टू एक्स एंड एक वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू दैट इज इक्वल्स टू वाई। समझ में आया कि नहीं? ये वन एंड वन ये क्यों हुआ? ये एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस ये है कि मान लो कि ये एक लाइन है और इसको ये वाला पॉइंट वन इज टू वन में डिवाइड किया है ना, वन इज टू वन में डिवाइड किया है। तो डिवाइड जब करता है, तो डिवाइड जब करता है तब क्या होता है कि मिड पॉइंट बन जाता है। ये सी जो है ये क्या बन जाता है? मिड पॉइंट बन जाता है। समझ में आया? ये मिड पॉइंट मेरे को अभी भी क्यों नहीं मतलब ऐसा फील हो रहा है कि अलग अलग आ रहा है, थोड़ा लेट चल रहा है। अच्छा, तो वन इज टू वन में अगर करो तो फिर क्या होता है? मिड पॉइंट कहता है ना, मिड पॉइंट कहता है। तो अब ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हो जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, और ये येलो का जो लिखा है मैंने ये हो जाता है सेक्शन फॉर्मूला। समझ में आया क्या? आया समझ में? चलो आगे चलते हैं। देखो तुमको एक्चुअली सम्स कैसे सॉल्व करना है, देखो एग्जाम्पल वन हम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं बहुत ध्यान से देखना। एग्जाम्पल वन में देखो क्या बता कि कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। मतलब एक लाइन सेगमेंट है यहाँ पे, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, एंड हमको यहाँ पे बताया गया है कि ए का कोऑर्डिनेट बता दिया है कि -3,3 एंड बी का कोऑर्डिनेट बता दिया है 2,-7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बताया कि पी इज द कोऑर्डिनेट, मतलब पी इज द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, दैट मीन्स ये हो गया पी एंड ये पी का कोऑर्डिनेट हम लोग को ढूंढना है ना, पी का कोऑर्डिनेट हमको ढूंढना है एंड बता दिया है कि रेशियो जो है ये 2:3 है। समझ में आ रहा है? रेशियो जो है ये 2:3 बता दिया है। अब क्या करेंगे यहाँ पे पी का, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख लेंगे कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, समझ में आया? पी का कोऑर्डिनेट जो है ये हम लोग लिख लिया। अब डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करेंगे। क्या है फॉर्मूला? एम टू एक्स वन प्लस एम वन एक्स टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू दैट इज इक्वल्स टू एक्स एंड अनदर फॉर्मूला क्या है? एम टू वाई वन प्लस एम वन वाई टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू दैट इज इक्वल्स टू वाई। फॉर्मूला ये है। ठीक है, फॉर्मूला ये है। अब चलो फॉर्मूला में बस वैल्यूज डाल देते हैं। अब चलो फॉर्मूला में बस यहाँ पे और लिख लो, फॉर्मूला में बस वैल्यूज डाल देते हैं। वैल्यू क्या क्या है देखो, वैल्यू लेंगे इसको लेंगे एक्स वन, जैसा कि मैंने बताया था, इसको लेंगे वाई वन, तो एक्स वन वाई वन, यहाँ पे लेंगे क्या एक्स टू वाई टू, एंड ये तो ऑलरेडी एक्स एंड वाई मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे फॉर्मूला बैठेगा, अब यहाँ पे फॉर्मूला बैठेगा। देखो कैसे, एम टू का वैल्यू क्या है, ये तो सिमिलरली हो जाएगा एम वन, ये हो जाएगा एम टू, क्योंकि रेशियो है, रेशियो को हम लोग एम वन एंड एम टू बोलेंगे। ठीक है, चलो एम वन क्या हो गया 2, तो 2 इंटू यहाँ पे एक्स वन जो है यहाँ पे ये है -3 प्लस यहाँ पे एम वन का वैल्यू है
M2 का वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा, M2 था ना तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे M1 का वैल्यू है 2 इंटू X2 का वैल्यू है क्या है, X2 का वैल्यू इधर है 2 है ना, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 दैट मीन्स 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू X। अब इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल्स टू X। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा, बड़ा का साइन बैठ गया, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड है ना, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल्स टू X। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1 इक्वल्स टू X आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब देखो इसको सॉल्व करो, इसकी जगह पे वैल्यू पुट करो तो क्या करोगे, देखो M2 Y1 प्लस M1, M2 मतलब क्या 3, तो 3 इंटू Y1 का वैल्यू क्या है, Y1 की तरह 3, तो 3 इंटू 3 प्लस M1 क्या है, M1 है 2, तो 2 इंटू Y2 क्या है, Y2 माइनस 7 है ना, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख लिया था वहीं से हम पुट कर रहे हैं, इक्वल्स टू Y को Y पुट कर दो, डिवाइडेड बाई ये 2 प्लस 3 कर दो इसको, अब इसको सॉल्व कर लो क्या हो जाएगा, देखो सॉल्व करके क्या हो जाएगा, हम इंक चेंज कर रहे हैं, रुको क्या भाई, देखो 3 3 9 हो गया, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस में माइनस हो जाता है ना, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 7 2 14 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 5 दैट इज इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ पे 9 से 14 कितना होता है, देखो 5 बाई 5 कैंसल आउट करके हो जाएगा y का वैल्यू हो जाएगा 1, तो फिर देखो y का वैल्यू है 1, यहाँ पे x का वैल्यू है माइनस 1, तो फिर ये वाला जो कोऑर्डिनेट था इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा -1,1। अब यही आंसर है, चेक कर लो बुक में, चेक किए हो, मैंने एक मिस्टेक किया है, देखे हो, गुड, जो स्टूडेंट्स देखे हो वो लोग सही है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है बेटा, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो y का वैल्यू भी नेगेटिव में आएगा, ऐसा मिस्टेक्स हम करते रहेंगे, जो स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे हो कि मिस्टेक हुआ है, नहीं हुआ, वो मैंने खुद से किया है, टीचर का मिस्टेक होना चाहिए तब पता चलता है कि स्टूडेंट्स कितना अटेंटिव है, अगर टीचर मिस्टेक्स नहीं करेगा तो स्टूडेंट अपने आप आर्ट से बाहर हो जाता है ना, तो टीचर जानबूझ के गलतियां करते हैं मैक्सिमम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम हम तो वही करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जानबूझ के गलतियां कर लेते हैं, तो फिर हमको पता चल जाता है कि कौन सा वाला स्टूडेंट यहाँ पे देख रहा है, कौन सा वाला स्टूडेंट बाहर गार्डन में चल रहा है ना। चलो तो क्वेश्चन समझ में आया, यहाँ पे ये है एग्जाम्पल 1, समझ में आया कि नहीं, आया समझ में, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। 2 मतलब क्या है, एग्जाम्पल 2 करेंगे, एग्जाम्पल 2 ठीक है, यही है पूरा, इसके बाद एक और एक है वो है ट्राई सेक्शन, वो वाला कर रहे हैं बाद में करेंगे, यहाँ पे चलो एग्जाम्पल 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2 में देखो क्या बताया है कि पी पॉइंट लाइन सेगमेंट, मतलब एक लाइन सेगमेंट है जो ये है लाइन सेगमेंट, तुम लोग ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हो, यहाँ पे ए ले लो, यहाँ पे बी ले लो, यहाँ पे पी को ले लो ठीक है, तो यहाँ पे ले लो, लेने के बाद सच दैट एपी इज टू पीबी इक्वल्स टू 2:3, तो फिर हम लोगों का क्या हो गया, M1 इक्वल्स टू 2 है ना, M2 इक्वल्स टू 3 ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है ना A का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग क्या लेते हैं, X1 Y1, तो फिर यहाँ पे ले लो X1 इक्वल्स टू 3, Y1 इक्वल्स टू -6, तो ये हो गया A कोऑर्डिनेट का पॉइंट, एंड देखो X1 Y1 ले लिया, अब देखो B कोऑर्डिनेट मतलब लाइन सेगमेंट का जो है उसको हम लोग AB लेते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, X2 का वैल्यू लेंगे हम लोग X एंड Y2 का वैल्यू लेंगे हम लोग Y, तो ये हो गया B का वैल्यू, एंड देखो P का जो वैल्यू है दैट मीन्स वो P का जो वैल्यू है वो भी गिवन है, दैट मीन्स X का मतलब हम लोग का फॉर्मूला के हिसाब से जो X था, X को हम लोग क्या लिखेंगे 1 एंड Y को हम लोग लिखेंगे -2 ठीक है, ये हो गया P पॉइंट का। अब कुछ नहीं करना है, ये जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे बस फॉर्मूला में पुट कर दो। देखो फॉर्मूला क्या है, M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 दैट इज इक्वल्स टू X, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 दैट इज इक्वल्स टू Y,
ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला में M1 के जगह पे क्या है, 2। डायग्राम बस ऐसा ही शॉर्ट में ड्रॉ करके रख दो, ज्यादा डायग्राम ड्रॉ करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने पे कोई मार्क्स नहीं मिलता है तुमको। डायग्राम ड्रॉ करने में तुमको कोई मार्क्स नहीं मिलता है, तुमको बस सम सॉल्व करने में मार्क्स मिलता है। ठीक है, जैसे हम कर रहे हैं ऐसे भी तुम लोग कर सकते हो, तुम्हारा काम क्या है बस वैल्यूज ढूंढना, वैल्यू क्या क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे ए था यहाँ पे बी था, तो इसीलिए ए और बी को मैंने क्या लिया था, देखो X1 Y1 X2 Y2, ए बी का वैल्यू X1 Y1 X2 Y2, और यहाँ पे बीच में जो पी है ना इसको हम लोग XY लिया था ना फॉर्मूला में, तो यहाँ पे भी देखो फॉर्मूला में XNY लिया है, समझ में आया। तो यहाँ पे बस वही पुट करेंगे, देखो M1 का वैल्यू है 2 एंड X2 का वैल्यू है X, प्लस M2 किधर है, M2 का वैल्यू है 3 ऊपर है, यहाँ पे X1 का वैल्यू है 3, समझ में आ रहा है। नीचे डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, दैट मींस 2 प्लस 3, दैट इज इक्वल्स टू x, x की तरह मेरा x का वैल्यू 1 है, समझ में आया। मतलब बस यहाँ पे जो a में जो होगा उसको x1 y1 एंड b में जो होगा x2 y2 एज इट इज लेना, एक ही मेथड सीखो और इसको ही प्रैक्टिस करते रहो ताकि एग्जाम में तुम लोग से बन जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे और लिख दो क्योंकि इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 2x+9 / 5 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 2x दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 5 - 9 कर दो, तो यहाँ पे और x इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो -4/2 है ना, तो फिर 2 से कैंसिल आउट कर दो तो आ रहा है -2, तो x इक्वल्स टू -2, ऐसा है कि नहीं है नंबर 2 का x इक्वल्स टू -2, हाँ x का वैल्यू -2 है, समझ में आ रहा है। ठीक है चलो अब दूसरा वाला करते हैं, ये वाला करते हैं, यहाँ पे भी सेम वही वाला वैल्यू पुट करेंगे, M1 का वैल्यू है 2 इनटू Y2 का वैल्यू है, Y2 किधर है, Y2 का वैल्यू है Y, तो फिर यहाँ पे Y पुट कर दो, प्लस M2 का वैल्यू है यहाँ पे 3 एंड देन Y1 का वैल्यू है -6। ठीक है, डिवाइडेड बाय देखो M1 प्लस M2, मतलब 2 + 3 इक्वल्स टू Y का वैल्यू यहाँ पे गिवन है -2। गलतियां मत करना, पहले ये वाला लिख लो फिर धीरे धीरे फॉर्मूला देख के वैल्यूज पुट कर दो, कुछ नहीं है भाई, फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन है जैसे हम लोग मेंशुरेशन में करते थे। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2y+ तो नहीं होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2y - 3 6 कितना होता है 18, -18 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 5 दैट इज इक्वल्स टू -2, तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y = यहाँ पे -10 + 18, -10 + 18, तो यहाँ पे और 2y दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 से 10 कितना होगा बोलो, 18 से 10 8 होगा ना, तो 8, तो यहाँ पे और y = 8/2 तो 4, y का वैल्यू आ रहा है 4, सही किए कि गलत, सही किए। तो फिर हम लोग का x का वैल्यू था -2 एंड y का आ गया 4। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, देखो क्वेश्चन में b जो था, ये जो b था ना यहाँ पे x एंड y लिखा गया है, तो फिर b कोऑर्डिनेट का वैल्यू हम लोगों को निकल गया वो है -2, 4, समझ में आया, यही आंसर है। ठीक है, समझ में, क्वेश्चन में सब कुछ एक्स एन वाई X1 Y1 जो भी लेंगे वो क्वेश्चन में गिवन है, अकॉर्डिंग टू दैट लेना है हम लोगों को। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी ये फिक्स्ड है, ऑलरेडी ये फिक्स्ड है कि किसको X1 लेंगे, किसको Y1 लेंगे, किसको X2 लेंगे, किसको Y2 लेंगे, ये एकदम फिक्स्ड है, किसको X लेंगे, किसको Y लेंगे और फॉर्मूला क्या होगा, ये पूरा का पूरा फिक्स्ड है, इसके बाहर में चलना ही मत, ऐसे करो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे सम्स। ठीक है, समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, 1 एंड 2 क्वेश्चन बेसिक सा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, वो समझ में आ गया। ठीक है, 1 2 समझ में आ गया, 3 आई थिंक समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एंड में बताया कि x² + y² x एंड y मिल जाएगा, तो दोनों को होल स्क्वायर करके एडेड अप कर दो तो मिल जाएगा। ठीक है, वही क्या है देख लेना, चेक कर लेना, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर 4 में देखो यहाँ पे जो है एक कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है, ये है ट्राई सेक्शन का कंसेप्ट। ट्राई सेक्शन का कंसेप्ट हम अभी सिखाएंगे, बहुत ध्यान से समझो इसको कि ट्राई सेक्शन क्या होता है। देखो ये एक लाइन है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ठीक, ये एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करने को हम लोग बोलते हैं ट्राई सेक्शन। इक्वल डिवीजन कैसे पता चलेगा,
मान लो कि ये ए बी है, ये एक्स वाई है, तो ए एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू वाई बी, अगर ये होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्राइसेक्शन है। तो अगर तुम्हारा मन में क्वेश्चन होगा कि सर क्या इससे पहले हम लोग बाईसेक्शन कर रहे थे, हाँ बेटा बाईसेक्शन कर रहे थे, दोनों पार्ट में डिवाइड होगा। अब क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्शन कर रहे हैं, तो तीन डिवीजन में डिवाइड होगा, इक्वल डिवीजन में, मतलब इसका वैल्यू वन, इसका वैल्यू वन, इसका वैल्यू वन, समझ में आया? तो तीनों का वैल्यू वन 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 रहेगा। तो वन 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 रहने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? हम लोग के पास ना ये ए का वैल्यू गिवन रहेगा, ठीक है, यहाँ पे बी का वैल्यू गिवन रहेगा, और ये दोनों का वैल्यू चाहिए होगा, समझ में आया? ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये दोनों का वैल्यू चाहिए होगा। हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, पहले देखो ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये कितना पार्ट है, टू पार्ट है ना, मतलब ये वन प्लस ये वन, और ये जो बाकी बचा उचा पार्ट है ये वन पार्ट है। दैट मीन्स इसका ये क्वेश्चन सॉल्व करने का दो ठो स्टेप है। तो फिर स्टेप वन क्या हो जाता है, टू इज टू वन में सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, टू इज टू वन में सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। एंड स्टेप टू क्या हो जाता है, एंड स्टेप टू क्या हो जाता है, वन इज टू वन में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, मतलब ये टू पार्ट में वन इज टू वन, ये टू पार्ट में वन इज टू वन, मतलब समझ में आया? चलो एक और बार समझाते हैं, ठीक है। देखो ये एक लाइन है, पहले यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो पहले हम लोग टू इज टू वन रेशियो में सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे टू पार्ट आएगा, यहाँ पे एक पार्ट आएगा, तो ये वाला पॉइंट का वैल्यू निकल जाएगा जो कि सी है, बहुत ध्यान से समझना। अब क्या करना है, तीन सेक्शन में, ये वाला सेक्शन में डिवाइड करो, तो पूरा लाइन सेम इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। तो फिर ये जो टू पार्ट है ना, पहले इसको टू इज टू वन रेशियो में डिवाइड करो। अब ये जो टू पार्ट है ना, इस टू पार्ट को वन इज टू वन में डिवाइड कर दो, मतलब ये वाला हो जाएगा वन, ये वाला हो जाएगा वन। दैट मीन्स जब वन इज टू वन लगाओगे, वन इज टू वन लगाओगे, तब हम लोग को क्या लगाना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और जब टू इज टू वन लगाओगे तब हम लोग को सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मतलब वो एम एन वाला, मतलब एम वन एम टू वाला। और यहाँ पे मिड पॉइंट जब लगाओगे, हम सिर्फ एम एम मतलब एम वन एम टू छोड़ के, वो एक्स एन टू वाला जो एम मतलब एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू जो है ना, वही वाला फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला कहलाता है। तो कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं बताओ, ये है कंसेप्ट। तो मेरा दो प्रोसेस है, मतलब दो प्रोसेस नहीं, दो पार्ट है एक्चुअली, क्वेश्चन का दो पार्ट है, ये जो है मतलब दो स्टेप है, ये जो है स्टेप वन, ये जो है स्टेप टू, दो स्टेप में सॉल्व करना। अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा गिवन है कि एग्जाम्पल फोर में, एग्जाम्पल फोर में देखो यहाँ पे क्या बताया, बताया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी। दैट मीन्स ये एक बड़ा वाला लाइन है, ये बड़ा वाला लाइन का यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और इसका पॉइंट एंड इसका पॉइंट गिवन है। देखो ए का है माइनस फोर कॉमा थ्री, एंड बी का है देखो टू कॉमा माइनस वन, बहुत ध्यान से देखना, टू कॉमा माइनस वन, ठीक, यहाँ तक समझ में आया? हाँ, अब चलो आगे चलते हैं। देखो ट्राइसेक्शन बता दिया है, तो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट ढूंढेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट सी लेंगे, और इसका वैल्यू हम लोग एक्स एंड वाई ले लेंगे। तो यहाँ पे ले लेंगे कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सी एक्स कॉमा वाई। अब ये जो पार्ट है ए से सी, तो यहां पे लिख लेंगे, तो ए सी इज टू सी बी दैट इज इक्वल्स टू टू इज टू वन, ठीक है, ए सी इज टू सी बी दैट इज इक्वल्स टू टू इज टू वन, मतलब ये वाला पार्ट टू है, ये वाला पार्ट वन है, ठीक। अब जो है हम लोग का फॉर्मूला में लगाओ, ठीक है, अब फॉर्मूला में लगाओ, फॉर्मूला क्या होगा, देखो
यहाँ पे क्या है, ये है एक्स वन, ये है वाई वन, ये है एक्स टू, ये है वाई टू, एंड ये एक्स वाई तो है ही। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू दैट इज इक्वल्स टू एक्स, एंड एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू दैट इज इक्वल्स टू वाई, है ना, ये वाला दो फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे वैल्यूज डालो, यहाँ पे वैल्यूज डालो, पहले इसमें वैल्यू डालो। देखो एम वन का वैल्यू क्या है, एम वन का वैल्यू टू है, क्योंकि ये हो गया एम वन हम लोगों का, ये हो गया एम टू हम लोगों का, तो टू है। तो टू इन टू एक्स टू का वैल्यू क्या है, टू प्लस एम टू का वैल्यू क्या है, वन इन टू एक्स वन का वैल्यू क्या है, माइनस फोर, ठीक है, डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू दैट मीन्स टू प्लस थ्री करो, टू प्लस वन करना है तो ये हो जाएगा थ्री दैट इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो टू टू जा फोर प्लस प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएगा, फोर माइनस फोर डिवाइडेड बाई थ्री दैट इज इक्वल्स टू एक्स, दैट मीन्स जीरो बाई थ्री दैट इज इक्वल्स टू एक्स, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू जीरो आ रहा है, समझ में आया, कैलकुलेट करके चेक कर लो, एक्स का वैल्यू जीरो आ रहा है, ठीक है, समझ में आया। अब चलो ये वाई वाला काम करते हैं, वाई वाला काम करते हैं कि वाई में कितना वैल्यू होगा। देखो एम वन का वैल्यू क्या है, टू इन टू वाई टू का वैल्यू क्या है, माइनस वन प्लस एम टू का वैल्यू क्या है, एम टू देखो वन इन टू वाई वन का वैल्यू क्या है, थ्री डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू क्या है, टू प्लस वन थ्री हो जाता है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा, देखो माइनस टू प्लस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, तो माइनस टू प्लस थ्री मतलब वन बाई थ्री, ये आ रहा है आंसर। तो फिर एक्स का वैल्यू एक्स कॉमा वाई क्या हो गया, देखो जीरो कॉमा वन बाई थ्री, क्या मेरा सही आया, बुक में दूसरा मेथड से किया है, चलो कोई बात नहीं, एक मेरा हो गया पॉइंट जीरो कॉमा वन बाई थ्री, ठीक है। अब देखते हैं कि एंड वाला पॉइंट आता है कि नहीं आता है, ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया कि जीरो कॉमा वन बाई थ्री, जैसे हम सिखा रहे हैं ऐसे ही करते रहो, जीरो कॉमा वन बाई थ्री एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने सी लिया था तो एक्स कॉमा वाई, अब मैंने क्या बताया यही कि यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, देखो ये अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना, कहाँ पे यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाले पार्ट पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, वन इज टू वन, है ना। तो फिर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो जिसका नाम दे दो बी, ठीक है, जिसका नाम दे दो बी, एंड यहां पे क्या बदल जाएगा, देखो ये सी का वैल्यू आ गया हम लोग का जीरो कॉमा जीरो कॉमा वन बाई थ्री। अब ये एक्स वन वाई वन है, ये हो जाएगा एक्स टू वाई टू, समझ में आया, ये हो जाएगा एक्स टू वाई टू, ठीक है। और ये बी का वैल्यू ले लो, एक बार ऑलरेडी एक्स वाई लिया है तो अब ले लो कि बी, यहां पे ले लो कि P कॉमा क्यू ले लो, ठीक है, P कॉमा क्यू है B का वैल्यू, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ B इज P कॉमा क्यू। तो अब यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये B को मैंने P कॉमा क्यू लिया है तो इसीलिए हम लोग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू दैट इज इक्वल्स टू P, एंड एक और एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू दैट इज इक्वल्स टू Q, क्योंकि यहाँ पे हमको ये ए और सी पार्ट में डिवाइड करना है इक्वल, तो इक्वल डिवीजन मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना, वन इज टू वन में डिवाइड करेंगे तो मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला है हम लोग के पास, उसी को यूटिलाइज करेंगे, समझ में आ रहा है बेटा, धीरे धीरे समझो सब कुछ समझ में आएगा। देखो यहाँ पे अब एक्स वन का वैल्यू क्या है, एक्स वन का वैल्यू है माइनस फोर, प्लस एक्स टू का वैल्यू क्या है, एक्स, है ना, एक्स टू का वैल्यू
एक्स नहीं है, ये वैल्यू हम लोग का आ गया 0.1/3, तो x2 का वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाई 2। 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब तो 2 ही है, इक्वल्स टू p। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, -4/2 प्लस 0 का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, दैट इज इक्वल्स टू p, तो यहाँ से 2 कर दो, तो फिर क्या आंसर आ रहा है, p का वैल्यू आ रहा है -2, है ना, p का वैल्यू आ रहा है -2। बहुत ध्यान से समझो, p का वैल्यू आ रहा है -2। अब ये q का वैल्यू y1 + y2, दैट मीन्स 3 + 1/3, तो 3 + 1/3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू q। इसको सॉल्व करो, 3 + 1/3 कितना होता है, चलो सॉल्व कर लेते हैं, कहाँ पे करें, यहाँ पे करते हैं, 3 + 1/3, तो 3 LCM, 3 × 9 + 1 = 10/3, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10/3 और नीचे बाई 2 है, मतलब 10/6 है ना, 10 बाई नीचे 2 है, दैट मीन्स इस 2 को उल्टा कर दो, 1/2 कर दो, इनटू करके 1/2, जैसे डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है ना, ये 2/1 है, तो मल्टीप्लाई करके 1/2 हो गया, तो फिर 10/6, तो यहाँ पे 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 2 × 5 = 10, तो 5/3 आ रहा है, तो यहाँ पे 5/3 दैट इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, समझ में आया, तो ये हो गया पी का वैल्यू, ये हो गया क्यू का वैल्यू। अब हम लोग का पॉइंट्स क्या क्या आया ये देख लेते हैं। देखो हम लोगों के पास ना यहाँ पे ये पूरा अच्छे से समझ में आता है, जैसे जैसे करवाया ऐसे ऐसे देखो, ठीक है, जैसे ऐसे करवाया ऐसे ऐसे देखो, पूरा का पूरा चीज जो है ये समझ में आएगा, उल्टा उल्टा मत करना, जैसे जैसे करवाया। अब देखो क्या है, हम लोग के पास ये एक लाइन था, ये था ए, ये था बी। ए का वैल्यू क्या गिवेन था कि -4, 3, एंड बी का वैल्यू क्या गिवेन था, 2, -1। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया था सी, जिसको 2:1 में डिवाइड किया था, तब सी का वैल्यू क्या आया था, 0.1/3 आया था। अब देखो यहाँ पे मैंने एक और एक पॉइंट लिया था, इस पॉइंट का नाम क्या दिया था, याद नहीं आ रहा है, पी दिया था आई थिंक, है ना, पी दिया था, नहीं पी क्यू तो उसको पॉइंट का नाम दिया था, यहाँ पे क्या नाम दिया था, बी दिया था कि क्या दिया था, अच्छा चलो एच ले लो, क्या दिया था याद नहीं है, चलो एच ले लो, तो फिर यहाँ पे क्या है, अच्छा देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक बार बी ले लिया है, तो एक और बार बी नहीं ले सकते, तो क्या था वो याद नहीं आ रहा, ठीक है चेक कर लेंगे उसको, अगर वैल्यू अलग कर लेंगे, यहाँ पे बी था तो यहाँ पे वैल्यू अलग कर लेंगे, डी ले लेंगे, ठीक है यहाँ पे डी ले लेना, तो यहाँ पे देखो ये एच ले रहे हैं, तो यहाँ पे डी कर लो, एच की जगह पे डी कर लो, तब जाके इजीली समझ जाओगे, यहाँ पे डी कर लो। अब देखो यहाँ पे मैंने डी को मैंने क्या करा, ये 2:1 में पूरा किया था, मतलब ए सी इज टू सी बी इक्वल्स टू था 2:1, और अब देखो ए डी इज टू डी सी हो जाता है 1:1। जब 2:1 था तब हम लोग क्या लगाए, सेक्शन फॉर्मूला लगाए, जब 1:1 था तब हम लोग क्या लगाए, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाए, है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया। ठीक, तो अब देखो ये D का वैल्यू क्या था, PQ लिया था, तो PQ में से हम लोगों का आंसर अल्टीमेटली क्या आया, देखो -2, 5/3 ऐसा कुछ आया था, है ना, -2, 5/3, क्योंकि -4/2 आया था, फिर -2 आया, और इधर क्या आया था, 10/3 × 1/2, तो 2 × 5 = 5/3, तो फिर यहाँ पे -2, 5/3, तो देखो ये वन, तो अल्टीमेटली आंसर हम लोगों का क्या क्या हो गया, ये एक आंसर हो गया, एक ये एक आंसर हो गया, समझ में आया क्या, यही है ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है, 3 इक्वल पार्ट में एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना, समझ में आया, और कुछ यहाँ पे है ही नहीं, और कुछ होगा ही नहीं, एकदम सिंपल सा सॉल्व करेंगे, समझ में आया। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं, अगर तुमको लगता है कि सर यहाँ पे आपने पहले 2:1 किया था, अब देखो जो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा और क्वेश्चन है उनके लिए बता रहे, जो स्टूडेंट्स का थोड़ा सा मतलब ऐसे सोचते हो कि मतलब थोड़ा सा इधर उधर का टाइप का है, इधर उधर का टाइप का मतलब ज़्यादा सम्स करने ही चाहते हो, और थोड़ा सा अगर ज़्यादा नॉलेज हम देते हैं तो फिर कन्फ्यूज्ड हो जाते हो, ऐसा कुछ बच्चा है, लेकिन कुछ बच्चा है थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो उन लोगों के लिए हम बता रहे हैं कि देखो ये तो लाइन था हम लोग का ए बी, यहाँ पे था सी, यहाँ पे हम लोग लिया था डी, ठीक है,
तो पहले हम इसको लिया था टू, इसको लिया था वन, तो चाहो तो तुम चाहो तो इसको भी वन एंड इसको भी टू ले सकते हो, मतलब वन इज टू टू करके भी कर सकते हो। आंसर सेम आएगा बेटा, पहले तुम्हारा ये डी का आंसर निकलेगा जो कि हम लोगों का आया था माइनस टू कॉमा टेन बाई थ्री इंटू वन बाई टू फाइव बाई थ्री आता है ना, तो यहाँ पे पहले तुमको ये वाला आंसर आएगा 5/3, ठीक है। एंड देन बाद में तुम ये दोनों में, ये जो पोर्शन तुम टू लिए हो ना, ये पोर्शन में तुम 1:1 लगाओगे तो तुमको ये सी निकल जाएगा जो कि तुम्हारा 0.1/3। आंसर सेम ही आएगा, आइधर तुम 1:1 लगाओ आइधर तुम 2:1 लगाओ, लेकिन किसको लगा रहे हो, कौन सा वाले मेथड लगा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है बेटा। अगर तुम यहाँ पे एक पॉइंट है, मतलब यहाँ पे एक लाइन है ए बी, यहाँ पे सी ले रहे हो तो इस वाले पार्ट को 2 लेना, इस वाले पार्ट को 1 लेना, तब ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, समझ में आया। लेकिन जब ये सी पॉइंट तुम निकाल रहे हो और यहाँ पे तुम 1:1 लगा रहे हो, 1:1 लगा रहे हो, तब ये चेंज हो जाएगा, तब ये तो x1 y1 रहेगा लेकिन ये x2 y2 नहीं रहेगा, ये c becomes x2 y2, मतलब समझ में आया। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट पे तुम निकालना चाहते हो ये बन जाएगा x, y, हम अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला। समझ में आ रहा है, समझ में आया कंसेप्ट? अगर क्लियर नहीं होता है बेटा तो फिर एक और बार हमको बताना, रिवाइंड करके देखो, अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो फिर हमको बताना, हम इसके ऊपर ओनली फॉर ट्राई सेक्शन एक और एक वीडियो हम डालेंगे अगर समझ में नहीं आता है। लेकिन जब हम लोग सम्स प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि ये तो सेशन 1 चल रहा है, जब सेशन 2 आएगा वहाँ पे हम सम्स प्रैक्टिस करवाएंगे, सेशन 2 में सम्स प्रैक्टिस करवाएंगे, जितना मतलब विद इन 1 or 2 hours, हम 2 hours का क्लास ले रहे हैं, तो इस 2 hours में देखना मैक्सिमम 90 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन होगा सॉल्व करेंगे, ठीक है, तुम लोगों को देख के करवाएंगे। हो सकता है कि हम लाइव भी आ सकते हैं, ठीक है, वो बाद का बात है, लेकिन पहले तो जो है सेशन 2 में हम प्रैक्टिस करवाएंगे, भर भर के प्रैक्टिस करवाएंगे। विद इन 2 hours 90 to 100 सम्स हम लोग का प्रैक्टिस रहेगा, मतलब प्रैक्टिस नहीं टारगेट रहेगा, हम देखते हैं कि कितना सम्स हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में। देखो यहाँ पे अब जो है ऐसा वाला एग्जाम्पल सिक्स देखो, एग्जाम्पल सिक्स में देखो बता दिया है कि इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी, मतलब तुम्हारे पास ए बी है, मतलब क्या है, ए है मतलब 4, -5 एंड बी मतलब क्या है, देखो 4, 5, और ये लाइन सेगमेंट है, ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, दैट मीन्स ये हम बोल सकते हैं इसको x1, इसको y1 एंड इसको x2, इसको y2 बोल सकते हैं ना। अब चलो इज डिवाइडेड बाई पॉइंट पी से, मतलब पी का जो वैल्यू हो गया, ये बताया नहीं कि क्या है, कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है, तो मतलब जिसका कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है इसको हम लोग एक्स वाई कर लेंगे, मतलब लाइन सेगमेंट, मतलब दिमाग में हम लोग का आ जाएगा कि दो साइड का बात कर रहा है एंड पी जो है उन लोग के बीच में एक पॉइंट है, तो फिर पी का वैल्यू हो जाएगा एक्स एंड वाई, हम लोग का फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट हो जाएगा। अब देखो रेशियो गिवन है AP/AB दैट इज इक्वल्स टू 2/5, देखो ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, AP/AB दैट इज इक्वल्स टू 2/5, दैट मीन्स देखो अब लाइन ड्रॉ करना ही है हमको, ये वाले सिचुएशन में लाइन ड्रॉ कर लेना, देखो यहाँ पे है A, यहाँ पे है B, ठीक है, यहाँ पे है A, यहाँ पे है B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तुम्हारा पॉइंट P है, अब बताया कि AP/AB दैट मीन्स AP बताया है कि ये 2 है एंड AB पूरा बताया है कि 5 है, तो दैट मीन्स हमको पूरा के साथ इसका रिलेशन नहीं करना है, हमको AP/PB फाइंड करना है, AP/PB फाइंड करना है, रेशियो का मतलब है यही होगा, मतलब जो पॉइंट पे कट कर रहा है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से ये वाला पॉइंट तक एंड ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट तक का रेशियो चाहिए, तब जाके उस फॉर्मूला में पुट कर पाएंगे। तो फिर ये AP अगर 2 पार्ट है
और ये पूरा अगर 5 पार्ट है तो ए बी ऑटोमेटिकली बिकम्स 3 पार्ट, है ना, समझ में आया। ये ए पी, एक और एक बार समझो, एक और एक बार समझो, यहाँ पे ए पी बता दिया था, ए पी बता दिया था कि ये 2 पार्ट है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा था। चलो इसको रब कर देते हैं, देखो ये एक लाइन सेगमेंट है ना, ये एक लाइन सेगमेंट है, बता दिया है यहाँ पे ए और बी दो साइड में 2 पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट पी जो कि उन दोनों को कट कर रहा है, मतलब वो लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बता दिया है, रेशियो को देखो, रेशियो को देखो, ए पी बाई ए बी, दैट मीन्स ए पी बाई ए बी पूरा, तो ये वाला पार्ट 2 है, ये वाला पार्ट 5 है, देखो ए बी जो है वो 5, ए पी जो है वो है 2, दैट मीन्स ये वाला पार्ट 2 है लेकिन ये वाला पार्ट पूरा 5 बना दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फिर हमको रेशियो, किसका रेशियो चाहिए सम्स करने के लिए, हमको रेशियो चाहिए ए पी इज टू पी बी का रेशियो चाहिए, हमेशा इस पॉइंट तक का रेशियो चाहिए, मतलब इधर का अलग रेशियो, इधर का अलग रेशियो, ऐसा रेशियो रहेगा तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर पूरा पार्ट 5 है और ये वाला पार्ट 2 है तो रेस्ट पार्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बिकम्स 3। तो यहां से हम लोग सम्स करने से पहले ये वाला चेक कर लेना, जो रेशियो गिवन है वो किस किस का रेशियो है, किस किस का रेशियो है, गलत मत समझो, मतलब क्या चीज का रेशियो गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि ए पी इज टू पी बी दैट इज इक्वल्स टू 2:3। अब इसको तुम कैंसिल कर दो, नहीं तो तुम गलत कर सकते हो, ये काम में नहीं लगेगा। अब इसको ही M1 एंड M2 लेके चलेंगे। अब हम लोग का फॉर्मूला क्या है, देखो M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइडेड बाई क्या है, M1 प्लस M2 डेट इज इक्वल्स टू X, है ना। अब अलग सा फॉर्मूला क्या होगा, M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 दैट इज इक्वल्स टू Y, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला देखो, यहाँ पे M1 जो है क्या है, ये है हम लोगों का M1, ये है हम लोगों का M2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × X2 का वैल्यू क्या है, X2 का वैल्यू, X2 किधर है, यहाँ पे है X2, 4 प्लस M2 का वैल्यू क्या है, M2 का वैल्यू है 3, X1 का वैल्यू क्या है, X1 का वैल्यू ये है 4, है ना, डिवाइडेड बाय नीचे कर लो M1 प्लस M2, अरे एक इंक नहीं मिल रहा, ये लेके चलो, देखो M1 प्लस M2 दैट मीन्स 2+3 दैट इज इक्वल्स टू X, मतलब X जो पॉइंट हम लोग को निकालना है, बीच का पॉइंट, उसको तो X लिया था, वो X को X ही रखो, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 4 × 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल्स टू X, तो 12 प्लस 8 कितना हो जाता है, 20/5 इक्वल्स टू X, तो 5 × 4 तो X इक्वल्स टू 4 आ जाता है। अब Y वाला करो, Y वाला में M2 क्या हो जाएगा, Y वाला में यहाँ पे कौन सा इंक काम करेगा वो पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कुछ ही दिन में पता चल जाएगा, ठीक है। नहीं आज भी हम भी पहला बार ये ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, और कोई क्लास का करवाया नहीं है, अलग से तो करवाया ऑफलाइन में, लेकिन तब तो अलग टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कि तुम लोगों को ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है, जनरली तो अच्छा लगना चाहिए, है ना। चलो यहाँ पे जो है क्या है, M1 Y2, M1 का वैल्यू क्या है, M1 का वैल्यू है 2, तो 2 × Y2 का वैल्यू क्या है, Y2 यहाँ पे है, Y2 5 यहाँ पे है 5, प्लस M2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे है 3, तो 3 × Y1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे है -5 डिवाइडेड बाई M1 plus M2 that means 3 plus 2 को directly 5 कर दो equals to Y, तो यहाँ पे क्या करना है, 10 plus नहीं होगा, यहाँ पे minus हो जाएगा, 10 minus 15 divided by 5 that is equals to Y, तो यहाँ पे -5/5 that is equals to Y, तो cancel out करके 1, तो Y equals to -1 आ रहा है ना, तो फिर 4, -1 हो गया हम लोग का पॉइंट P का वैल्यू, वही चाहिए होता है ना, वही चाहिए था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, हाँ 4, -1 आंसर करेक्ट है, समझ में आया कैसे करना है, समझ में आया कैसे करना है। ऐसा कुछ सम्स रहेगा जहाँ पे तुमको बताएगा नहीं, अलग टाइप का रेशियो दे देगा, ये क्या है, डिफरेंट टाइप सम है, ठीक है, अलग अलग टाइप का सम तो हमको करवाना है, तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप का सम है, ठीक। अच्छा चलो अब देखो
एग्जाम्पल फाइव का बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल फाइव में देखो क्या गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी। अच्छा मतलब ये पूरा एक लाइन है, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, ए का वैल्यू गिवन है, बी का वैल्यू गिवन है, फोर इक्वल पार्ट्स। अच्छा तो फोर इक्वल पार्ट चाहिए है ना, तो मिड पॉइंट लगा दो भाई। पहले तुम यहाँ पे क्या है देखो, माइनस टू कॉमा टू, एंड यहाँ पे क्या है बी में क्या है टू कॉमा एट। तो पहले ए और बी पे मिड पॉइंट लगा के एकदम बीच वाला सी ढूंढो, तो इसको एक्स कॉमा वाई कर दो। तो फॉर्मूला लगा लो क्या हो जाएगा, देखो एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू दैट इज इक्वल्स टू एक्स, एंड वाई वन प्लस वाई टू बाई टू दैट इज इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा देखो, x1 मेरा है ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस टू है ना, माइनस टू प्लस टू, तो कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो रहा है, तो फिर x इक्वल्स टू जीरो आ गया है ना। बाकी का लिखे ही नहीं, क्योंकि लिखो तो ना लिखो सेम ही है, ऊपर का न्यूमरेटर में जीरो आ रहा है मतलब वो आंसर जीरो आएगा, डिनोमिनेटर में जीरो मतलब वो आंसर अनडिफाइंड होता है बेटा, जीरो नहीं होता है, डिनोमिनेटर में जीरो मतलब वो अनडिफाइंड होता है, बचपन में नहीं पढ़ाई की हो तो है ना, लग रहा है हमको। चलो यहाँ पे क्या है y1 plus y2 by 2, तो y1 क्या हो जाता है देखो, y1 2 है, y2 8 है, तो प्लस करो तो 8 2 जा, यहाँ पे 2 plus 8 by 2, तो 8 2 जा 10 by 2 हो जाता है, तो 5 equals to y। तो फिर ये वाला जो पॉइंट है ना बन जाता है 0.5, समझ में आया। अब यह करना है ए एन सी में एक और बार लगाओ, सी एन बी में एक और बार लगाओ, तो फिर वन टू थ्री फोर, तो ए और बी पूरा चार इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ ना, तो ए एन सी में फिर एक बार लगाओ, दैट मीन्स एक्स वन प्लस एक्स टू वाई टू, तो एक्स वन, अब ये एक्स वाई नहीं रहेगा, यहाँ पे तुम पी कॉमा क्यू ले लो क्योंकि इसका तो आंसर आ गया। अब ये एक्स वन वाई वन है, ये नया बन गया एक्स वन वाई वन, मतलब x2 y2 नया बन गया, ये और x2 y2 नहीं रहेगा, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है फिर एक बार, माइनस टू प्लस जीरो डिवाइडेड बाई टू दैट इज इक्वल्स टू p, ठीक है, मतलब x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई टू दैट इज इक्वल्स टू p। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस टू बाई टू दैट इज इक्वल्स टू p, तो कैंसिल आउट कर दो, माइनस वन इक्वल्स टू p, तो ये p का वैल्यू आ गया माइनस वन, कॉमा q का वैल्यू क्या आएगा टू प्लस फाइव है ना, तो टू प्लस फाइव बाई टू दैट इज इक्वल्स टू q, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 बाई टू दैट इज इक्वल्स टू क्यू, तो यहाँ पे कॉमा देके 7 बाई टू लिख दो, समझ में आ रहा है, ये वाला आ गया। बस मिड पॉइंट फॉर्मूला का खेल है बेटा। तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, एक ये लंबा वाला लाइन था ए बी, नहीं वापस हम एंड नहीं हुआ, इधर वाला भी मिड पॉइंट लगाना है, इसका वैल्यू भी चाहिए। तो मैंने क्या करा यहाँ पे पूरा ए बी जो था ए बी किए, अब क्या किए, ये ए का वैल्यू बी का वैल्यू था, दोनों में मिड पॉइंट लगाया तो बीच का आ गया। अब इसका एंड ये वाले पॉइंट के बीच में एक पॉइंट निकालो मिड पॉइंट लगा के, देन इस वाले लाइन और ये वाले लाइन के बीच में मिड पॉइंट लगा के एक पॉइंट निकालो, तो चार इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ ना, हुआ ना, ये वन टू थ्री फोर, सिंपल सा बात, समझ में। ये कौन सा किया हम, एग्जाम्पल फाइव। लास्ट वाला पार्ट मैंने नहीं किया है, वो वाला पार्ट तुम लोग कर लेना, तुम लोगों के लिए रखे, ठीक है, समझ में आ गया है तो बन जाएगा, समझ में नहीं आया तो नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है ना। चलो आगे चलते हैं। जनरली तो सम्स बन रहा है ना, यहाँ पे ऐसा ही टाइप का सम है, ऐसा ही टाइप का। अच्छा यहाँ पे एक बात है देखो, ये वाला जो फॉर्मूला हम लोग क्लास नाइन में किया था वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। कभी कभी तुमको डिस्टेंस भी चाहिए होगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का ये फॉर्मूला लिख के रखो, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, उसका ये फॉर्मूला। ये क्लास नाइन में सीखे थे हम लोग, क्लास नाइन में सीखा था, है ना, याद है। मान लो कि ये एक लाइन है, ये वाला जो लाइन है ए, यहाँ पे जो पॉइंट है ये पॉइंट बी है, ठीक है, और ये दोनों में डिस्टेंस मतलब ये वाला लेंथ जो है तुमको ढूंढना है, ठीक है, तब तुमको ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करना है। कैसे करोगे, चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे। मान लो कि ए का वैल्यू गिवन है, ए का वैल्यू गिवन है टू कॉमा थ्री, एंड बी का वैल्यू गिवन है
4.5 हम रैंडमली सम चूज कर मतलब वैल्यूज चूज कर रहे हैं, ठीक है। अब तुमको डिस्टेंस ए बी ढूंढना है, क्या ढूंढना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी ढूंढना है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी ढूंढने के लिए तुम क्या करोगे, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई वन है बेटा ये, y, अरे क्या हो गया, कहाँ चला गया पता नहीं, चलो बना देते हैं, अरे क्या हो रहा है, हाँ, अब सही बात, ठीक है वो आ नहीं रहा। चलो ये है मान लो कि ए, ये है मान लो बी, यहाँ पे है 2.3, यहाँ पे है 4.5, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स वन ले लो, इसको वाई वन ले लो, इसको एक्स टू ले लो, इसको वाई टू ले लो, ठीक है। अब क्या करोगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला है रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। देखो कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग कैसे सम्स बनाएंगे, देखो यहाँ पे है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो एक्स टू मेरा क्या है, ये है फोर, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फोर माइनस एक्स वन का वैल्यू है टू, तो फोर माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस थ्री का, फाइव माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ये भी रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद 4 माइनस 2 करो तो कितना होता है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर, माइनस 5 माइनस 3 करो तो कितना आता है, 2 का प्लस होके 2 का स्क्वायर, है ना। तो फिर यहाँ पे 2 स्क्वायर कितना आ रहा है, 4 प्लस 2 स्क्वायर कितना आ रहा है, 4, तो 4 प्लस 4 रूट ओवर 8, तो रूट ओवर 8 हो जाता है आंसर। और रूट ओवर 8 मतलब क्या है, 8 को ब्रेक करो, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, दैट मीन्स 2√2 आंसर हो जाता है। तो डिस्टेंस क्या बन जाता है, 2√2, ठीक है। अब यूनिट जैसा रहेगा, 2√2 स्क्वायर यूनिट, या फिर स्क्वायर यूनिट नहीं होगा, 2√2 यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट नहीं होता है, 2√2 यूनिट, या फिर रूट ओवर 8 भी रख सकते हो। ऐसे सम को सॉल्व करना है, यहाँ से इसके बाद यहाँ पे किया, देन इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, दिख रहा है, और इसके बाद रूट ओवर 8 को लास्ट में एंड में 2√2 किया है। तो सम समझ में आया, ऐसा करके हम लोगों को डिस्टेंस ढूंढना था। ये क्लास 9 में ऑलरेडी अपलोड है, क्लास 9 का चैप्टर में, वहाँ पे जाके चेक कर लेना कि कैसे होता है, ठीक है। अगर अपलोडेड नहीं है तो फिर हमको कमेंट करना, हम अपलोड कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। चलो तो शिक्षण फॉर्मूला धीरे धीरे समझ में आ रहा है, शिक्षण फॉर्मूला, शिक्षण फॉर्मूला में एक और एक कंसेप्ट है, देखो ये वाला कंसेप्ट भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट जो है ना, टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, सेंट्रोइड का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाई 3, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइडेड बाई 3, ये होता है एक्स का कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, एंड ये होता है कोऑर्डिनेट ऑफ वाई, ठीक है, समझ में आया क्या, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, स्पेशल टाइप का क्वेश्चंस है, जैसे कि मान लो एग्जांपल 23, ये जो है स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, एग्जांपल 22, ये जो है ना स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये जितना सारा क्वेश्चंस मैंने सिखाया ये वाला क्वेश्चन सीख लो, फिर नेक्स्ट डे जब एपिसोड 7 हम लाएंगे वहां पे ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहले बेसिक सा कंसेप्ट क्लियर करके सम्स बना लो, पहले तुम्हारे अंदर थोड़ा सा इनपुट ले लो कैसे सम्स बनता है, ठीक है।
अभी क्या था, पूरा तुम जीरो लेवल में थे। अब क्या बनाया, थोड़ा सा तुम्हारे अंदर इनपुट दिया। अब ये इनपुट को काम पे लगा के जितना इनपुट तुम्हारे अंदर गया है, इस इनपुट को 100% में बदलो। कैसे? सम्स को प्रैक्टिस कर करके, ठीक है, 100% में बदलो। जो नहीं बनेगा रख दो। ऐसा नहीं कि सर 6 नहीं बन रहा तो 6 के बाद से एक भी नहीं बना। भाई 6 नहीं बन रहा तो 7 तो ट्राई करके देखो, बनेगा कि नहीं बनेगा। ज़रूर बनेगा। एक नहीं बन सकता है, फिर उसके नेक्स्ट वाला ट्राई करो, बन जाएगा, है ना। चलो अब एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि देख लो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 मतलब ये एक्सरसाइज का बात कर रहे हैं, अभी तक जो जिन स्टूडेंट्स का कंसेप्ट समझ में आ गया है उन स्टूडेंट्स आगे चलो, जिसका कंसेप्ट समझ में नहीं आया एक और बार थोड़ा यहाँ तक रिवाइज कर लो, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, आई थिंक आ जाएगा समझ में। धीरे धीरे समझाया है मैंने, ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट समझाया, नहीं समझा, धीरे धीरे समझाया, स्टेप बाय स्टेप समझाया, आई थिंक समझ में आ गया है एकदम। अगर जो एकदम डल स्टूडेंट देख रहे हो, वो एकदम डल है, कुछ समझ में नहीं आता है, बेटा अगर तुम्हारा समझ में नहीं आता है तो बेटा तुम एक बार देखो, क्योंकि YouTube में हमको हर एक स्टूडेंट्स को टारगेट करना होता है ना। या फिर क्लास में भी, अगर हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो फिर वहाँ पे भी हम हर एक बच्चे को टारगेट करते हैं। हर एक बच्चे का मेमोरी सेम नहीं होता है, लेकिन मेरा टारगेट ये रहता है कि कोना कोना का मेज तक, मतलब कोने तक, मतलब एक कॉर्नर का बच्चे को अभी समझ आ जाए, क्योंकि मेरा गोल वही रहता है कि एक स्टूडेंट का मन से मैथ्स का जो डर है वो भगाने का, है ना, ये मेरा गोल है। हम जब क्लास लेते हैं यही सोच के लेते हैं कि एकदम, मतलब जो बच्चा एकदम डल है, जिसको कुछ नहीं आता, क्लास के बाद उसको भी एक सम दिया जाए तो वो ज़रूर बना देगा, ठीक है, ऐसे हम सोचते हैं। चलो यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए मैंने बताया, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। दिस लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, मतलब एक ऐसा सर्कल है, एक सर्कल का डायमीटर है, बोल रहा है ये एक डायमीटर है, इधर में ए है, इधर में बी है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो -3, 1 एंड यहाँ पे देखो बी का क्या है, 5, -4, ठीक है, समझ में आया, 5, -4। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब क्या बोल रहा है, कि वो सेंटर इज सी, मतलब इसका सेंटर है यहाँ पे सी। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिकी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट इस क्वेश्चन में होता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स का बन गया है, करेक्ट है, वेरी गुड, वेल डन, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स का नहीं है, तुम लोग भी वेरी गुड, वेल डन। अब सुन लो, ठीक है, कि कैसे करें, दिमाग को थोड़ा सा जोर डालो, दिमाग में थोड़ा सा पुश करो कि हाँ हम ये कर सकते हैं। देखो हम एक हिंट देते हैं, इससे बनेगा, ज़रूर बनेगा। देखो यहाँ पे जो C है ना, ये C से ये B तक, क्या है, C से B तक, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं ना, हाँ सर, यहाँ पे C से A तक, इसको भी रेडियस बोलते हैं ना, हाँ सर, है ना। तो फिर यहाँ पे AC दैट इज इक्वल्स टू CB, ये लिख सकते हैं ना, हाँ सर, लिख सकते हैं। अब चलो आगे चलते हैं, देखो ये दो वैल्यू अगर सेम हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि 1:1 कर सकते हैं ना। तो अगर यहाँ पे 1:1 पुट किए तो अब कौन सा वाले फॉर्मूला में लगेगा, वेरी गुड, मिड पॉइंट वाले में, दिमाग में आ रहा है तुम्हारा, हम पढ़ पा रहे हैं, है ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों को पता है कि x1 + x2 / 2 एंड y1 + y2 / 2। अब क्या करना है, बस फॉर्मूला पुट कर दो भाई, ये c को ले लो p, q एंड दैट इज इक्वल्स टू p पुट कर दो, दैट इज इक्वल्स टू q पुट कर दो, सॉल्व कर लो, क्वेश्चन तो इजीली बन जाएगा, है ना। x1 क्या है, -3 + 5 -3 + 5 / 2, तो क्या होगा, +2/2, तो ये हो रहा है 1, तो मतलब P का वैल्यू हो गया 1। अब Q का वैल्यू क्या है, देखो 1 + -4 / 2, दैट मीन्स 1 - 4/2, दैट मीन्स -3/2, तो ये हो गया Q का वैल्यू। तो फिर यहाँ पे जो इसका सेंटर है, इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, P, Q, that means 1, -3/2,
तो ये हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं बताओ? आया होगा आई थिंक, जरूर आया है, बहुत सिंपल है। चलो अब आंसर चेक कर लेते हैं, यह है कि नहीं। एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 6, चलो चेक कर लेते हैं। वन कॉमा माइनस थ्री बाई टू, जो कि मेरा ऑलरेडी आ गया है। समझ में आया? यही है हम लोगों का क्या बताओ, क्या शिक्षण फॉर्मूला का चैप्टर, यही है हम लोगों का शिक्षण फॉर्मूला का चैप्टर। ठीक, समझ में आया? अब चलो एक दूसरा चैप्टर आज हम करवाएगा, दैट इज बैंकिंग, दैट इज बैंकिंग। थोड़ा सा रेस्ट ले लो, जैसे हम देते हैं। शेयर्स एंड डिविडेंट है नहीं सिलेबस में, बहुत सिंपल सा समझाएंगे, बहुत सिंपल सा। देखो क्लास 10 में ऐसा कुछ चैप्टर्स है ही नहीं जो कि बहुत टफ है, एक भी चैप्टर टफ नहीं है, कोई भी चैप्टर टफ नहीं है, कोई भी चैप्टर टफ नहीं है, सिवाय बस तुमको ये जो है ना यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन में दिक्कत नहीं होगा तुम्हारा। बस दिक्कत हो सकता है कि ज्योमेट्री वाले पोर्शन में, सिमिलरिटी, लोकस, सर्किल, सर्कल्स में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ तुमको लर्न करना है, लेकिन वो भी फिर भी इजी है। अगर ठीक से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा बेटा, अगर ठीक से नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? देखो तुम्हारा एम क्या है, अभी हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे क्योंकि रेस्ट ले रहे हैं हम लोग, फिर हम धीरे चालू करेंगे। कौन सा वाला चैप्टर चालू करेंगे? वो नंबर 2 बैंकिंग वाला चैप्टर चालू करेंगे, है ना। तो चलो यहाँ पे अगर आवाज़ धीरे आता है तो फिर हमको कमेंट करना कि सर आपका आवाज़ धीरे आ रहा है, क्योंकि बेटो बेटा देखो हमको मतलब ऐसा तो कुछ इक्विपमेंट मैंने खरीदा नहीं कि एक माइक नहीं खरीदा। अच्छा माइक अगर तुम लोग सजेस्ट करोगे तो अच्छा है, तो वो हम ले लेंगे, लेकिन अभी तक मैंने कुछ माइक अलग से लिया नहीं है। ये जो मेरा लैपटॉप है, ये लैपटॉप मैंने मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ठीक है, लैपटॉप मैंने लिया है और उसके बाद हम ये वाले वीडियोस करना चालू किया। इससे पहले फ़ोन में करता था, तो ठीक है चलो पहला का वीडियोस देखोगे तो मतलब 1-2 साल पहले का वीडियोस देखोगे तो वहाँ पे क्या होता था ना, मतलब देखना वाइट बोर्ड पे हम करवा रहे हैं, तो दैट मीन्स वो फ़ोन का कैमरा से लगा हुआ है, ठीक है, वो कैमरा नहीं है। फिर उसको अपग्रेड किया गया है 1080p, मतलब मोबाइल का कैमरा में 1080p नहीं होता है, और 1080p होता है तो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा फाइल्स हो जाता है, तो 1-1.5 घंटा का वीडियो मोबाइल में कैप्चर नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम कम मतलब क्वालिटी पे, मतलब लो क्वालिटी पे उसको सॉल्व करके उसको हाई क्वालिटी करते थे, खुद ही करते थे, और कौन है करने के लिए, है ना। चलो अच्छा, आज तो मेरा यहाँ पे 6K या फिर 7K सब्सक्राइबर हो गया है, तो इससे बड़ा मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ इनकम हो रहा है, ऐसा नहीं है बेटा, हम तुम लोगों को सिखा रहे हैं। तुम लोग को करना क्या है, शेयर कर दो वीडियो को, क्योंकि शेयर करोगे हो सकता है कि सब्सक्राइबर बढ़ जाए, इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। और पब्लिसिटी मेरा नहीं चाहिए, अगर तुमको लग रहा है कि तुमको थोड़ा सा हमको हेल्प करना है तो फिर कैसे हेल्प करोगे, तो देखना यहाँ पे ज्वाइन बटन लिखा हुआ है, तो उस ज्वाइन बटन पे जाके ज्वाइन कर लो, क्लिक कर लो, कुछ एक पेमेंट आएगा, वेरी मिनिमल पेमेंट आएगा, यूट्यूब का ही है, वहाँ पे बस ज्वाइन कर लो। जिससे क्या होगा, तुम मेरे को डोनेट कर सकते हो, हम ग्रो कर सकते हैं और, ठीक है, तो ऐसा करके सपोर्ट कर सकते हो, या फिर कुछ करना भी नहीं है, ये जो ज्वाइन वाइन का बात है ये करना ही नहीं, ये तो यूट्यूब ने स्टार्ट किया है। अगर तुमको लग रहा है कि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को बस शेयर कर दो, क्योंकि और मेरे से बात करो, बातचीत करना, ठीक है, क्योंकि यही हमको अच्छा लगता है ना। हम तुमको कुछ सिखा रहे हैं और तुम हमको क्या करोगे, हम दोनों बैठेंगे फिर चाय वाय पियेंगे, है ना, एक साथ बैठ के, यही तो है लाइफ। पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, मार्क्स लाओ, और आगे जाके क्या करना है, कुछ बनो लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं कि बस बैठ रहो। चलो ये तो बात अलग सा हो गया, ये तो लाइफ में तुम क्या करोगे, ये मोटिवेशनल सेशन है नहीं, तो फिर हम मोटिवेशन देने नहीं आ गया, तो ऐसे भी मोटिवेशन होता भी नहीं है। ये हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे है, तुमको ये लाइट्स वाइट्स देख के समझ में आ ही रहा होगा, बहुत रात हो चुका है अभी,
तो पूरा दिन एकदम कुछ और काम वाम करके पढ़ाया पढ़ाया आके फिर ट्यूशन व्यूशन करके हो मतलब कुछ भी करके फिर आके एंड में आके ये वाला वीडियोस बनाने के लिए हम बैठ रहे हैं। ट्यूशन मतलब ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हम पढ़ाते हैं तो एक कॉलेज में भी पढ़ाते हैं तो ठीक है चलो चलता है ऐसे ही। यहाँ पे यूट्यूब में मेरा एक स्टूडेंट ही कहा है कि सर आपका आप जैसे क्लास में समझाते हो ना ऐसा हमको कहीं पे नहीं मिलता है, मतलब यूट्यूब में भी देखते हैं तो यूट्यूब में भी नहीं मिलता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं है ना, यूट्यूब में भी वीडियो बनाते हैं वीडियोस डालते हैं देखते हैं क्या होता है। फिर तुम लोग तो आ गए, तुम लोग क्लास कर रहे हो पढ़ा रहे हो बात कर रहे हो तो अच्छा लगता है मज़ा आता है। चलो देखो लाइफ में अगर कुछ बनना है ना स्टार्ट करना है, स्टार्ट करना है और कुछ नहीं। एक जगह पे हम हैं तो ये यूट्यूब जो है ये मेरा पार्ट टाइम था, अभी से हम फुल टाइम कर रहे हैं। फुल टाइम मतलब क्या, ऐसा नहीं कि पूरा दिन भर यूट्यूब में ही लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम आएंगे ठीक है, आएंगे विद इन 5 to 6 months हम आएंगे। हम बस वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा सब्सक्राइबर अराउंड 20K हो जाए, क्योंकि 20K सब्सक्राइबर हो जाएगा तो फिर मतलब कुछ एक जगह छोड़ के यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है हम मतलब ये जो एनवायरनमेंट है एक जगह छोड़ के यहाँ पे आना एक मतलब बहुत कष्टदायक हो जाता है ना, कष्टदायक, क्योंकि एक फिक्स्ड इनकम है और उसको बंद करके यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे तो हमको पता भी नहीं कि कितना इनकम होगा, तुम लोग हमको पैसा दोगे कि नहीं दोगे है ना। ऐसा भी बात होता है, ऐसा भी फील होता है कि फिर सोचते हैं कि नहीं ये तुम लोग भी बच्चे हो उन लोग भी बच्चा है तो किसी को क्या छोड़े, दोनों को लेके आगे चलते हैं। चलो ठीक है, लाइफ में सब कुछ तो पैसे से नहीं होता है ना, कुछ चीज़ है कुछ काम है जो कि बस अच्छा लगता है, इसके लिए भी कुछ करना है, अच्छा लगता है हमको पढ़ाना अच्छा लगता है, और ये इससे अगर कुछ मिल जाता है तो इनकम हो जाता है तो वो तो अलग बात है। लोग कहते हैं कि जो अच्छा लगता है वो करो, हम वही करते हैं जो हमको अच्छा लगता है ना। पढ़ाना अच्छा लगता है तो हम पढ़ाते हैं, इसका जो मन होता है दे देता है, बस वही है, ऐसे ही चलते हैं। तुम लोग के लिए कर रहे हैं, तुम लोग वीडियोस को शेयर करो, हो सकता है कि किसी का लाइफ बन जाए, कब क्या कौन सा किसका क्या बनेगा पता नहीं, वीडियो शेयर कर दो। मतलब ऐसा भी नहीं कि हम देखा है जब हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं ऐसा भी नहीं कि हर एक बच्चा मतलब क्लास में मान लो कि 50 स्टूडेंट्स है तो 50 स्टूडेंट्स का हम जब लेक्चर देते हैं ना तो 50 का 50 ये सर नहीं बोलते कि हाँ सर नहीं बोलते। कुछ बच्चा होता है एक या फिर दो या फिर तीन बच्चा होता है जो समझने का ट्राई करते हैं क्या बताया सर ने, समझने का ट्राई करते हैं। फिर मैंने उन स्टूडेंट्स को अलग सा टाइम देते हैं ताकि बेटा तुम लोग क्या क्वेश्चन है मेरे को पूछो, क्लास के एंड में हम उन 3 स्टूडेंट्स को 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देते हैं ताकि उनका जो डाउट्स है उनका जो प्रॉब्लम्स है वो हम सुनते हैं, ताकि इससे क्या होता है ना उन स्टूडेंट्स का भी लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाता है कि उसका जो डाउट्स है, क्योंकि उसको अगर ऐसे 2-3 क्लास में हम किया तो उनको पता हो गया कि सर एंड में बताएगा तो फिर वो लोग भी थोड़ा जोश में आ जाता है। तो एक्चुअली क्या है ना, एनर्जी, एनर्जी इज द अल्टीमेट थिंग। तो जब तक तुम्हारे अंदर एनर्जी होगा जब तक तुम वो कर पाओगे तब तक तुमसे सम्स बनेगा, जब तुम्हारा एनर्जी लो हो जाएगा तब फिर भी सम्स करना चाहिए क्योंकि सम्स में आंसर जब आता है ना, सम्स जब करते हो आंसर जब आता है तो फिर एक अलग मोटिवेशन मिलता है कि अरे भाई आंसर आ रहा है तो चलो करते है ना, ऐसा कुछ फील होता है। चलो बहुत बात हो गया, तुम लोग अभी रेस्ट हो गया, चलो अब सीधा सम में आते हैं। देखो यहाँ पे बैंकिंग जो है ना ऐसा कुछ नहीं कि एकदम बैंकिंग मतलब हम लोगों को बैंक पे जाके काम करना होता है, ऐसा नहीं है। हम लोगों को करना क्या है बैंकिंग में, बस हम शॉर्ट में बताएंगे, शॉर्ट में मतलब जितना हो सकेगा उतना बताएंगे जिससे समझ बनेगा। अल्टीमेट गोल क्या है, समझ बनाना ठीक है, अच्छे से समझ के समझ बनाना। ये भी चैप्टर जो है ना फॉर्मूला पुटिंग है ठीक है। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, यहाँ पे एक फॉर्मूला है MV=MB=P(n+i) ठीक, ये एक फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है, ये i को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं कि ये i=P(n)(n+1) 2×12×R/100। समझ में आया, एक्चुअली एक्चुअली हम लोगों का क्या है, ये एक ही फॉर्मूला है, एक्चुअली हम लोगों का ये एक ही फॉर्मूला है इस चैप्टर में, लेकिन ये आई का एक सेपरेट फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला। अब
इस फॉर्मूला को कैसे यूटिलाइज किया जाए और फॉर्मूला का डिटेल्स बताएं। यहाँ पे देखो आर का मतलब होता है रेट, जैसे कि हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट में होता था, ठीक। ये पी का मतलब है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है। ये आर का मतलब होता है पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, ठीक है। और ये एन जो है, एन जो है होता है नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स। अगर एन को हमेशा मंथ्स में लेना होता है, मान लो कि तुम्हारा टू इयर्स गिवन है, टू इयर्स गिवन है, तो हम लोग इसको 24 मंथ्स लेंगे, ठीक है, मंथ्स में लेना है हमेशा। अब ये एम वी का क्या मतलब है, एम वी मतलब ये होता है कि मैच्योरिटी वैल्यू, क्या होता है मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक। अच्छा आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट। और कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो मतलब एक और बार देख लो, बहुत अच्छे से देख लो, ये होता है मेन फॉर्मूला एम वी, दैट मीन्स इसका फुल फॉर्म क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। अब पी इंटू एन प्लस आई, पी इंटू एन, पी का मतलब क्या है प्रिंसिपल, ठीक। अब प्रिंसिपल मतलब क्या, प्रिंसिपल मंथली प्रिंसिपल, मतलब या फिर इसको बोल सकते हो कि मंथली इंस्टॉलमेंट, पी को बोल सकते हो मंथली इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल या फिर मंथली इंस्टॉलमेंट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है, एन का मतलब है नंबर ऑफ मंथ्स, कितना नंबर ऑफ मंथ्स के लिए वो इंस्टॉलमेंट दे रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली ये तो फॉर्मूला बताया, ये तो फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला के डिटेल्स दिया, अब ये एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली है क्या, ये चैप्टर में एक्चुअली है क्या। देखो मान लो कि तुम एक मोबाइल खरीदे हो, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक से समझाते हैं, तुम एक मोबाइल खरीदे हो जिसका 10,000 का मोबाइल तुम लिए हो, ठीक है। जनरली 10,000 का मोबाइल लेते हैं, और अगर गांव-गांव में देखोगे या फिर कोई कोई स्टूडेंट हम देखे हैं कि 4,000 का भी मोबाइल यूज़ करते हैं, देखे हैं, मेरे कोचिंग भी आता है ना, तो फिर यहाँ पे 4,000 का भी क्या होता है मोबाइल यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसको 10,000 ले रहे हैं ताकि हम लोगों का कैलकुलेशन में ईजी हो जाएगा, ठीक है, 10,000 का एक मोबाइल यूज़ कर रहा है। अब इसके लिए मान लो कि मेरा इनकम बहुत कम है, बहुत कम है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये 10,000 जो है ना, इसको मैंने बताया कि ईएमआई पे लेते हैं, एक टर्म होता है, क्या टर्म होता है, ईएमआई, ईएमआई क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, ठीक है। मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब एक मंथली एक पेमेंट दिया जाता है, ठीक है। अगर मान लो कि तुम एक साल में ये पूरा 10,000 दोगे, तो वो क्या करते हैं 10,000 डिवाइडेड बाई 12 करके एक अमाउंट बताते हैं जिसमें तुम्हारा थोड़ा सा इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि ये हम दो साल में करेंगे, तो वो 24 मंथ्स में कैलकुलेट करेगा। तुम मान लो कि 5 इयर्स में करेंगे, तो 60 मंथ्स पे वो कैलकुलेट करेगा, अपना एक कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे वही कैलकुलेशन तुमको यहाँ पे करना है, ठीक है। मतलब मान लो कि तुमने 10,000 रुपीज बैंक पे रखे हो, बैंक तुमको 5% पे इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट दे रहा है, तो फिर तुमको मैच्योरिटी कितना साल के लिए रखोगे, मान लो कि दो साल के लिए रखोगे, टू इयर्स के लिए रखोगे, तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि तुमको मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू मतलब क्या है, जैसे कि वहां पे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में होता था ना अमाउंट, यहाँ पे ये हो जाता है मैच्योरिटी वैल्यू, मतलब प्रिंसिपल, वही वाला जो फॉर्मूला पी इंटू एन प्लस आई करके जो आंसर आएगा, मतलब पी इंटू एन करके प्लस आई करके जितना आएगा वही होता है हम लोग का मेन फॉर्मूला। और यहाँ पे हम लोगों को सम्स जो करना है ना, इसी फॉर्मूला के ऊपर करना है। तो कंसेप्ट पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, समझ में आया, आया कि नहीं, ये समझ में आया, ये समझ में आया ना, मेरा जो क्लास हम लेते हैं जब वहाँ पे ये मतलब एक ट्रेंड हो चुका है कि हम जब बोलते हैं समझ में आया तो स्टूडेंट्स बोलते हैं हाँ सर,
मतलब ये एक राइम सा हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि तुम लोग भी बोल रहे हो कि हाँ सर, अगर कुछ स्टूडेंट्स हो जिसके समझ में नहीं आ रहा है तो तुम बोल सकते हो बेटा ना सर, लेकिन नीचे कमेंट करके टाइम दे देना कि इस टाइम में तुम ना सर बोल भी सकते हो। लेकिन बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, अगर समझ में नहीं आता है तो फिर बोलना समझ में नहीं आया, अगर समझ में आता है तो फिर बोलना समझ में आ गया। क्योंकि ये तो बेटा एंटरटेनमेंट का क्लास हो नहीं रहा, मैथ्स का क्लास हो रहा है, तो एंटरटेनमेंट थोड़ा सा होगा, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होगा। क्योंकि मैथ्स वैसे भी जो है एकदम मतलब बेकार सब्जेक्ट है, सब यही बोलते हैं, लेकिन हमको तो मैथ्स पढ़ाना है और हमको मैथ्स अच्छा लगता है। देखो हर जगह पे मैथ्स है, तुम कहाँ पे जाओगे, किधर जाओगे, अगर तुम बिजनेसमैन हो, नौकरी कर रहे हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस तुम्हारा लाइफ लॉन्ग लगेगा, किसमें कितना प्रॉफिट है, किसमें कितना लॉस है, यही तुमको कैलकुलेट करते करते तुम्हारा लाइफ चला जाएगा, है कि नहीं बोलो। तो मैथ्स तुम्हारा लाइफ के अंदर घुसा हुआ है, मैथ्स नहीं रहेगा तो तुम्हारा लाइफ भी साइड हो जाएगा, है ना। चलो यहाँ पे जो है अब सम्स बनाते हैं, सिंपल सा सम्स बनाएंगे। देखो एग्जाम्पल वन करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल वन करेंगे। देखो एग्जाम्पल वन कैसे करेंगे, देखो क्या बता रहा है कि कैटरीना ओपेंड एंड कैटरीना कैफ नहीं है, ठीक है, कौन सा कैटरीना है हमको भी नहीं पता, चलो पढ़ते हैं। क्या बता रहा है कि कैटरीना ओपेंड अ रिकरिंग डिपॉजिट, यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे दो ठो बात होता है, एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट को शॉर्ट में हम लोग आरडी बोलते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट तुम ईच एंड एवरी मंथ तुम दे रहे हो और फिर दो साल या फिर तीन साल बाद तुमको कुछ पैसा रिटर्न आ रहा है, एग्जैक्टली वो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह चैप्टर है ये, लेकिन फॉर्मूला अलग है, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब ईच एंड एवरी मंथ, मान लो कि तुम 1000 रुपीज करके दे रहे हो, 1000 रुपीज करके तुम दे रहे हो बैंक में, और तुम 2 ईयर्स तक यही अमाउंट तुम देते रहोगे, तो फिर तुम्हारा कितना अमाउंट हो जाएगा, 24,000 तुम सबमिट कर रहे हो। तो इसके लिए बैंक मान लो कि तुमको 5% पे इंटरेस्ट देगा, 5% इंटरेस्ट मतलब 24,000 का 5% कर लो, जितना होता है दो साल बाद उतना पैसा वो रिटर्न करेगा, मतलब एक्स्ट्रा, मतलब 24,000 का 5% कितना होता है, 5/100, 24/5 होता है 120, तो 120 1200 हो रहा है ना, तो मैंने अच्छे से कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन फिर भी 1200, तो अराउंड तुमको इतना रुपीज़, 1200 या फिर 12,000 तो नहीं होगा, 5% करके दे रहे हो, है ना, चलो कर ही लेते हैं, 24,000 × 5/100, तो 2020 कैंसिल, तो 24/5 होता है 120, हाँ 1200, तो 1200 24,000 और इसके साथ एडेड अप कर लो, 24,000 इसके साथ 1200 ऐड कर लो, तो फिर यहाँ पे आया 0025, तो तुमको 25,200 ये अमाउंट तुमको देगा। यही है, यही जो अमाउंट आया ना, ये अमाउंट को ही हम लोग बोलते हैं MV, दैट इज मैच्योरिटी वैल्यू, समझ में आया, यही अमाउंट को हम लोग बोलते हैं MV, दैट इज मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है, समझ में आया। अब चलो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है। अब चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल वन। एग्जाम्पल वन में देखो लिखा गया है कि कैटरीना ओपेंड, कैटरीना मतलब कौन सा कैटरीना पता नहीं, कैटरीना काइफ है कि नहीं है, चलो बात घुमा के कुछ होगा नहीं, सम्स पढ़ते हैं, उनको विकी कौशल लेके चला गया है। अच्छा, कैटरीना ओपेंड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद अ नेशनलाइज बैंक। देखो रिकरिंग डिपॉजिट मतलब आरडी होता है, आरडी का मतलब क्या होता है, तुम मंथली बेसिस पे कुछ अमाउंट तुम बैंक में जमा कर रहे हो और बैंक तुमको कुछ अमाउंट तुमको एक्स्ट्रा दे रहा है, ठीक है। मान लो कि तुम रुपीज 1000 करके तुम बैंक में जमा कर रहे हो फॉर टू ईयर्स करके तुम जमा कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तुम 1000 रुपीज करके दे रहे हो 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स मतलब 24 मंथ्स, है ना, तो तुम्हारा टोटल कितना अमाउंट तुम जमा किए हो, तो 1000 × 1000 × 24 तुम सबमिट किए हो, दैट मीन्स 24,000 तुम सबमिट किए हो, ठीक है, बैंक में दो साल में 24,000 सबमिट किए हो। अब मान लो बैंक तुमको 5% रेट में तुमको इंटरेस्ट दे रहा है, दैट मीन्स 24,000 का 5% कितना होता है, 1200 ना, कैसे, 24,000 × 5/100, यहाँ पे 2020 कैंसिल आउट करो, 4/5 कितना होता है, मतलब 24/5 120 एंड देन 0 1200, तो फिर तुम्हारा मैच्योरिटी वैल्यू या फिर अमाउंट क्या हो जाएगा, 24,000 + 1200 तो हो जाएगा 25,200, ये वाला जो अमाउंट है ना इसी को ही हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू और अमाउंट, समझ में आया। जैसे कि
सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोगों का बोलता था मैच्योरिटी वैल्यू, हम लोग का अमाउंट करके जिसको पहचानते थे, यहाँ पे उसी को मैच्योरिटी वैल्यू करके पहचानेंगे। ठीक है, अब चलो ये वाला सम्स बनाते हैं, एग्जाम्पल वन बनाते हैं। देखो कैसे, देखो यहाँ पे बताया है कि टू ईयर्स दैट मीन्स ये क्या है, एन है, मतलब 24 मंथ्स। ठीक है, अब चलो पी क्या बताया है, बताया है कि रेट ऑफ 6%। अच्छा, तो आर का वैल्यू है 6% हो गया, पी का वैल्यू क्या है, रुपीज 1000 है ना, इंस्टॉलमेंट दिया है 1000। अब मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू एन प्लस आई, लेकिन यहाँ पे पी है हम लोग का 1000, एन है हम लोगों का 24, प्लस आई पता नहीं है, आई निकाल लो, हम लोग के पास फॉर्मूला है क्या है, पी इंटू एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू है ना 6/100, आर बाई 100, उसको हम लोग 6/100 हम लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला है R/100। अब इसमें वैल्यू डालो क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 24 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 6/100। समझ में आया क्या, आया समझ में? अब यहाँ पे कैंसिल आउट करो 24 इंटू 25, क्यों, क्योंकि n का वैल्यू 24 था, एंड 24 प्लस 1 कितना होता है 25। ठीक, अब देखो यहाँ पे 100 से इसको कैंसिल आउट कर दो बचा 10, यहाँ पे 12 से कैंसिल आउट कर दो बचा 2, ये 2 ये 2 भगा दो, अब कितना हो गया 25 इंटू 6 इंटू 10, तो 250 इंटू 6, तो 25 इंटू 6 कितना होता है 150, तो 1500 हो गया आई, तो यहाँ पे बस आई का वैल्यू पुट करके ऐड कर दो, तो 24000 प्लस 1500 तो कितना हो जाएगा 25500, ये हो गया हम लोगों का मैच्योरिटी वैल्यू। तो समझ में आ रहा है कैसे करना है, समझ में आ रहा है, बस कुछ नहीं, यही दो फॉर्मूला का काम है ये पूरा का पूरा चैप्टर में, और कुछ काम है ही नहीं। ठीक है, चलो अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल फोर बनाते हैं। देखो एग्जाम्पल फोर में क्या है, देखो शोभाना हैज अ क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट इन स्टेट बैंक इंडिया। क्यूमुलेटिव डिपॉजिट मतलब यही है, ठीक है, मतलब मंथली दे रहा है अमाउंट, शी डिपॉजिट्स 500 पर मंथ, डेट मीन्स हम लोग का पी हो गया 500, मंथली पेमेंट जितना करेगा उसी को हम लोग पी लेंगे। ठीक है, एट ए टाइम, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते थे, एट ए टाइम पेमेंट, यहाँ पे मंथली जितना पे करेगा वो होगा पी। ठीक है, अब क्या बता रहा है कि पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, 4 ईयर्स मतलब एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 4 है ना, 12 मंथ्स करके 4 ईयर्स, तो मतलब 48 मंथ्स। ठीक है, 48 मंथ्स। अब आगे क्या बता रहा है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी सी गेट्स 28,410, 28,410, तो ये मेरा क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी उसको मिला, डेट मीन्स ये अमाउंट क्या हो गया, एम वी हो गया, है कि नहीं, ये अमाउंट हो गया एम वी। अब क्या करेंगे हम लोग, सीधा बताया क्या है कि फाइंड द रेट ऑफ, मतलब आर ढूंढना है हम लोग को, आर ढूंढना है, तो सम्स इजी है ना, सम जो है ये सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, पहले तो जो है हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस आई, पी क्या है हम लोगों का 500, एन क्या है हम लोगों का 48 है ना, प्लस आई हमको पता ही नहीं, तो आई निकाल लो, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी इंटू एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100 है ना, यही निकालना है। तो फिर यहाँ पे R क्या है, नहीं है, तो ये वाले पूरा जो फॉर्मूला है ना इसको उठा के यहाँ पे I की जगह पे पुट कर दो, क्योंकि एक इक्वेशन हमको बनाना है, एक इक्वेशन हमको बनाना है, तो यही वाले जो इक्वेशन है, यही वाले इक्वेशन से काम हो जाएगा, यही वाले इक्वेशन से काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या मैच्योरिटी वैल्यू है, नहीं है, तो फिर ये पूरा लगेगा, तो फिर ये पूरा लगेगा, दैट मीन्स ये वाला जो वैल्यू है इसके बाद लिखो p इंटू एन, अरे गलत लिख रहे हैं, p इंटू एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू आर बाय 100। अब ये वाला फॉर्मूला का कोई ज़रूरत नहीं है अलग से,
क्योंकि मेरा आर बाई हंड्रेड गिवन नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या था, एम वी का वैल्यू था, देखो ये गिवन है 28,410, ये गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है, तो 28,000 एक और बार लिख लो, 28,410 दैट इज इक्वल्स टू 500 इंटू 48 प्लस, यहाँ पे पी कितना है, पी है 500, अगेन 500, अब इंटू करो, यहाँ पे एन इंटू एन प्लस वन मीन्स 48 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। अब इसमें कैलकुलेट करेंगे, पहले तो जो है ये वाला पार्ट को कैलकुलेट कर लो, इसको साइड में रख दो, ठीक है। ये वाला पार्ट में कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 12 से इसको कैलकुलेट कर लो, पहले ये आएगा 4, क्योंकि 12 फोर जा होता है 48, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 भगा दो, यहाँ पे 2 से कर लो, 2 2 जा 4, ठीक है। देन यहाँ पे कितना आया, देखो 49 इंटू 2 इंटू 5 आर, तो यहाँ पे 28,410 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 48 इंटू 5 कर लो, है ना, 48 इंटू 5, अच्छा चलो कर लो, या फिर हाँ करना तो है ही, तो फिर 48 इंटू 5 कर लो, तो 58 जा कितना होता है, 48 इंटू 5 करने का अच्छा एक है, 250 से 2 2 करके कितना करोगे, 5 2 जा 10 माइनस करो, तो 240 आ जाएगा, है ना, तो 240, अब देख लो यहाँ पे होगा कि नहीं, 58 जा कितना होता है, 40 का 0 कैरी 4, 5 4 जा 20 प्लस 4 24, तो देखा मैंने कहा था 240, मैंने क्या किया 50 को 5 बार मल्टीप्लाई किया आता है 240, देन 2 2 करके 5 बार 5 2 जा 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, आ गया 240, ठीक। तो यहाँ पे आ गया देखो 240 प्लस यहाँ पे 49 इंटू 2 करना है, 49 2 जा देन अगेन करो 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 देन 2 सब्ट्रैक्ट, तो कितना आ जाएगा 98 इंटू 5, या फिर उल्टा भी कर सकते हो, 5 2 जा 10 इंटू 49 करो, 5 2 जा 10 इंटू 49 करोगे तो कितना आएगा 490 आर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके आर का वैल्यू निकालो, कैसे, 28,410 माइनस 240 इक्वल्स टू 490 आर। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 28 यहाँ पे माइनस कर लो, 28,410 से 240 सब्ट्रैक्ट कर लो, 0 4 से 1 करो, मतलब 4 से ये 11 हो जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा, 4 कैंसिल आउट करके 3, तो 2 से 3 1, तो 28,170, तो 28,170 डिवाइडेड बाय 490 दैट इज इक्वल्स टू आर। देखो हम ये जो कर रहे हैं क्या ये सही कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स पकड़े हो मेरा गलती, तुम लोग बेटा सही हो, यहाँ पे मैंने गलत किया है, क्या गलत किया है, देखो यहाँ पे 48 इंटू 5 क्या किया है, यहाँ पे 48 इंटू 5 क्या है 240, देन ये 20 कहाँ गया, 20 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा ना, मतलब 500 इंटू 48 था, दैट मीन्स 24,000 था, तो यहाँ पे 24,000 आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ऐसा मिस्टेक करना चाहिए हम लोगों को, है ना, तब जाके हम लोग क्या कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे कि कौन इधर है और कौन साइड में वीडियो देख रहा है अलग सा, है ना। चलो यहाँ पे क्या है, तो इससे माइनस कर दो 28, ये वाला तो कैंसिल ही कर दो, ये जो है इसको हटा ही देते हैं, है ही नहीं, ठीक। चलो अब जो करो, यहाँ पे क्या हो गया 28,410 एंड यहाँ पे 24,000 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या हो गया हम लोगों का 014 एंड यहाँ पे 4410 आया ना, 4410 दैट इज इक्वल्स टू 490 आर। इसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं तो फिर 4410 डिवाइडेड बाय 490 दैट इज इक्वल्स टू आर, यहाँ पे 00 कैंसिल आउट करो, 49 से 441 को कैंसिल आउट करो, कितना हो जाएगा 9 9 81, तो 49 9 जा एक बार चेक कर लो, 9 9 81 का 8 कैरी 8, 81 का 1 कैरी 8, 36 प्लस 8 44, तो फिर 9 से ही हो जा रहा है, तो फिर R इक्वल्स टू 9, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, तो यहाँ पे भी चेक कर लो, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में आता है, ये हम लोग बचपन में ही पढ़े थे, बचपन में ही पढ़ाई किए थे, है ना।
तो ये वाले जो बैंकिंग का जो एक्सरसाइज है ना, ये पूरा का पूरा इसी फॉर्मूला में बेस्ड है, पूरा जो है इसी फॉर्मूला में बेस्ड है। तो चलो एक और एक क्वेश्चन करते हैं जो है एग्जाम्पल सिक्स, यही हम लोग का लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। चलो एग्जाम्पल सिक्स करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बताया है, मिस्टर ब्रिटो डिपेंड्स अ सडन सम ऑफ मनी। सडन सम ऑफ मनी ये कितना मनी है बताया नहीं, तो पी को हम लोग पी ले लेंगे, ठीक है, पी को लेट कर लो, ठीक है। अभी क्या बताया है, मंथ इन रिकरिंग डिपॉजिट इन अमाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है ऑलरेडी मैंने समझाया है, ठीक है। चलो अभी क्या है, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, तो फिर आर इक्वल्स टू 8% ऑलरेडी बता दिया। अभी क्या बता रहा है, मिस्टर ब्रिटो गेट्स 8,088 फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 ईयर्स, तो फिर एन का वैल्यू 3 ईयर्स, दैट मीन्स 12 × 3 कितना हो जाएगा, 36 मंथ्स हो जाएगा, है ना। अब कितना मिला उसको, 8,088 है ना, 8,088, तो ये हो गया इसका मैच्योरिटी वैल्यू। समझ में आया। अब ये जो है क्वेश्चन में जो गिवन है ना, इससे ये वाला निकाल लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना है ना? अब चलो सम्स बनाते हैं। हम लोग का क्या दो ही फॉर्मूला है, तो मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस आई पुट कर देंगे। चाहिए क्या हमको, पी चाहिए है ना, तो पी इंटू वन प्लस आई, तो यहाँ पे साइड में आई इक्वल्स टू क्या करना है, आई इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, पी इंटू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू 12 इंटू आर बाई 100। तो ये वाला निकाल लो, क्या हो जाएगा, पी जो है हम लोग का पता नहीं, पी जो है पी है, अच्छा तो पी जो है पी है, दैट मीन्स ये तो नहीं निकलेगा है ना, इंटरेस्ट तो नहीं निकलेगा, तो फिर वही वाला लॉजिक करो, यहाँ पे पी इंटू एन कर दो प्लस यहाँ पे आई का जो फॉर्मूला है यहीं पे पुट कर दो, एन इंटू पी इंटू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 × 12 × r/100। देखो अगर आई का वैल्यू आता नहीं है ना, तो डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देना, आ जाएगा, क्योंकि देखो मैच्योरिटी वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है, मतलब एग्जैक्टली लास्ट सम जैसा ही है। देखो मैच्योरिटी वैल्यू आप पुट कर लो 8,088 है ना, तो यहाँ पे और लिखना मत भूलना, तो फिर 8,088 दैट इज इक्वल्स टू पी इंटू एन, एन मतलब 36, तो फिर 36p हो जाएगा है ना, लिख सकते हैं, लिख लो इसको 36p प्लस यहाँ पे p कितना होगा पता नहीं, p इंटू एन इंटू एन प्लस वन मतलब 36 × 37 डिवाइडेड बाय 2 × 12 × r/100 दैट मीन्स 8/100 है ना। तो फिर इसका काम पहले कर लेंगे, 12 3 जा यहाँ पे 2 से 2 4 जा, देन अगेन 4 से कर लो यहाँ पे 4 25 जा, और कुछ नहीं करना है। अब क्या है वो लिख लो, 8,088 दैट इज इक्वल्स टू 36p प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p, अच्छा 37 × 3 कर लो, 37 × 3 21 का 1 कैरी 2, 9 प्लस 2 11, 111 आ रहा है, तो 111 तो यहाँ पे 111p डिवाइडेड बाय 25। अब यहाँ से सॉल्व करके p को ढूंढ लो, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना है, LCM करना है, तो 25, तो 25 इंटू 36 कर लो, 25 इंटू 36 मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्टली 25 से कर लो, 25 6 का कितना होता है 50, 150 होता है, तो 150 का 0 कैरी 15, 25 3 का कितना होता है 75 प्लस 15 कितना होता है 75 प्लस 15 करो 5 करो 10 करो 90 हो जाता है, तो 900 हो जाता है, तो यहाँ पे 900p प्लस 111p यहाँ पे 8,088। अब इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ पे और लिख दो और, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखो क्या हो जाएगा 8,088 × 25 दैट इज इक्वल्स टू 900p प्लस 111p, तो कितना हो जाएगा 1011 1011p। तो फिर यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, तो इसको नीचे लेके आओ, तो 8,088 × 25 डिवाइडेड बाय 1011 दैट इज इक्वल्स टू पी। अब 1011 से 8, तो 8 से कैंसिल आउट हो ही जाएगा, हमको लग ही रहा है, देखो 1011 × 8, 8 1 8, 8 1 8, 8 0 0 8 1 8, तो फिर 8088, तो 8 से, तो 25 8 का कितना होता है
200 दैट इज इक्वल्स टू पी, तो पी का वैल्यू हम लोगों को निकल गया 200 जो चाहिए था। देखो जब आई नहीं निकलेगा ना तब डायरेक्टली आके इस फॉर्मूला में पुट कर दो, तो देखना बाकी जो क्वेश्चंस है वो ऑटोमेटिकली बनते रहेगा, ठीक है, समझ में ऑटोमेटिकली बनते रहेगा। तो जितना सारा सम्स किया यहाँ पे बैंकिंग में, फॉर्मूला बस यही दो है, इसी दो फॉर्मूला को ही यूटिलाइज करना है और कोई फॉर्मूला है नहीं। सबसे इजीएस्ट चैप्टर है ये, समझ में आया, सबसे इजीएस्ट चैप्टर। तो चलो एंड में हम होमवर्क लिख देते हैं, आज का क्लास हम यहीं पे एंड करने वाले हैं। नंबर वन वाला हम लोगों का क्या क्या चैप्टर क्या है, एक तो जो है हम लोग बैंकिंग करवाया, बैंकिंग का क्या करना, एक्स प्लस एक्स दैट मीन्स एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज, ठीक है, एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज कुछ तो होना चाहिए मेरे तुम्हारे बीच में, कोड लैंग्वेज है ना, एक्स प्लस एक्स मतलब वो वाला नहीं जो तुम सोच रहे हो, वो वाला नहीं, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज का बात कर रहे हैं। चलो यहाँ पे जो है टू, क्वेश्चन नंबर टू करते हैं, मतलब नंबर टू क्या होमवर्क है, शिक्षण फॉर्मूला है ना, शिक्षण फॉर्मूला, ठीक है, इसका भी x प्लस एक्स सॉल्व करो। यहाँ पे बैंकिंग जो है इसका पूरा का पूरा एमसीक्यू भी सॉल्व कर लो, प्लस चैप्टर टेस्ट भी, ठीक है, यहाँ पे भी एमसीक्यू सीटी सारा का सारा सब कुछ सॉल्व कर लो, जो नहीं बनेगा हमको बताना। टुडेज डेट इज कितना डेट है, 15 ठीक है, समझ में आया। चलो आज यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, वीडियो नहीं है क्लास एंड करते हैं, तो फिर मुलाकात होगा एपिसोड 6 में नेक्स्ट वीक में, तो टेंशन मत लो, यहाँ पे बहुत जल्दी हम लोग आएगा, लेकिन हम जो होमवर्क दे रहे हैं ना इसको करते रहो, प्रैक्टिस कर, तुम्हारा फोकस किस में होगा, प्रैक्टिस में, डेली सम्स में प्रैक्टिस करो। और अगर तुम सम्स बना रहे हो डेली 30 सम्स बनाओ, डेली 30 सम्स बनाओ विद इन 1.5 आवर्स, डेली 30 सम्स बनाओ विद इन 1.5 आवर्स, देखना सक्सेस मतलब मार्क्स झक मार के तुम्हारे पीछे आने लगेगा, है ना। चलो यहाँ पे एंड करते हैं आज का क्लास, क्लास एंड।